बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट के नेक्स्ट वेबिनार जो के लीडरशिप इन अ डिस्ट्रप्टिव एंड वोका ड्रिवन इरा ऑफ इंडस्ट्री के टॉपिक पर है, उसमें आप सबको वेलकम करते हैं। वेबिनार का बाकायदा आगाज करते हैं तलावत कुरान मजीद से। तलावत के लिए अलिया। जज़ाकअल्लाह। पिफा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट अपनी इस कोशिश में आज अगला वेबिनार प्रेजेंट कर रहा है, इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम किया गया है और बाकायदा इसका आगाज कर दिया गया है। अच्छा, आज के थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आज के वेबिनार के हवाले से। आज का वेबिनार एक ऐसा वेबिनार है जिसमें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इंफॉर्मेटिव सेमिनार होगा जिसमें आप लोग लर्निंग स्किल वो सीखेंगे जिनके शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुने होंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे जो कह रहे हैं वो मौजूद हैं उमर सईद साहब, फेलो मेंबर हैं पिफा के। उमर साहब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देता हूं इससे पहले कि वो उनको माइक हैंड ओवर करें और उमर साहब उसके बाद आप लोगों को अपनी इस प्रेजेंटेशन दें और इस मॉडर्न इरा की लर्निंग और लीडरशिप स्किल्स के हवाले से गाइड करें। उमर साहब फेलो मेंबर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट के, एमबीए फाइनेंस हैं, 30 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। उमर साहब ट्रेजरर हैं, सीएफओ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटीज में से और पाकिस्तान की तो डेफिनेटली टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। उमर साहब सर्टिफाइड डायरेक्टर हैं जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम लम्स, फेलो लाइफ मेंबर हैं पिफा के पाकिस्तान के, अफिलियट मेंबर हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी सिफा यूके से, फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूएसए के, मेंबर पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल नेटवर्क हैं 2016 से, प्रोफेशनल मेंबर हैं इंटरनेशनल काउंसलिंग एसोसिएशन के, मेंबर हैं टोस्टमास्टर इंटरनेशनल के, सर्टिफाइड आईबीएम एंटरप्राइज डिजाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर हैं। काफ़ी ब्रीफ में कोशिश कर रहा हूँ लेकिन माशाल्लाह उमर साहब का प्रोफाइल इतना हैवी है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर नहीं पाऊंगा। IMF सर्टिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं जी, वर्ल्ड बैंक सर्टिफाइड प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हैं और ही हैज अटेंडेड मोर देन 100 कॉन्फ्रेंसेज फॉरम सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग ऑन ERP फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट टैक्सेशन SDG 2030 लीडरशिप IAS एक्सेट्रा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, नेमली जिन कंट्रीज में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है टर्की चाइना फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड UAE ओमान सिंगापुर मलेशिया, तो एक लंबी लिस्ट है उमर साहब की। मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना जो क्योंकि डेजिग्नेटेड वर्क होता है इसका तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उमर साहब को दूंगा, तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं उमर साहब को हैंड ओवर करता हूँ। उमर साहब आप अपनी स्टार्ट करिए प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ऑडिबल हूँ, पार्टिसिपेंट्स चैट में बता सकते हैं, आवाज आ रही है जी अहबाब को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया कि जो लीडरशिप की लेटेस्ट स्किल्स हैं उसके हवाले से कुछ बात हो सके। मैं खसूसी तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरम वाइस चांसलर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इजाज़त मरम्मत फरमाते हैं, मौका देते हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक में यूनिवर्सिटी को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का, मोहतरम वाइस चांसलर साहब का। और उसके अलावा रिसेंटली सिंगापुर का मेरा विजिट हुआ तो वहाँ पे प्रोफेसर सत्तार भवानी साहब, ये सी सूट कोच हैं और सेंटर फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के सीईओ हैं, डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप इंस्टीट्यूट के वहाँ पे सीईओ हैं, हाईली पेड एग्जीक्यूटिव हैं, ये कोचिंग करते हैं, इनकी बहुत सी बुक्स हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये उनकी मेंटोरशिप में तैयार की गई है और सारा मटीरियल उन्हीं से लिया गया है और मैं समझे कि बोलने वाला शख्स हूँ जो उसको एक्सप्लेन करूँगा आज इस लीडरशिप के हवाले से। और उस पर जो जदीद दौर में हमने जो टॉपिक रखा है भूखा का, इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। मेरी सबसे पहले जो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ, और अहबाब को इस पर क्यूरियोसिटी होगी वो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा, फिर आगे बात को लेके इंशाल्लाह रजीज चलते हैं। हम एज ए मुसलमान मुस्लिम जब ग्रो अप करते हैं या हमारी जिंदगी की ख्वाहिश होती है कि हम उमरा और हज के लिए हरमैन शरीफ जाएं, तो मैंने भी शुरू से हमारे घर में हमारी फैमिली में बात होती, तो मैं 94 में पहली बार हरमैन शरीफ हाजरी के लिए गया अपनी नानी जान के साथ, अल्लाह ताला उनकी मकबूल फरमाए, और उसके बाद भी वालदा साहब के साथ, खाला जान के साथ, फैमिली के साथ एक से ज्यादा मरतबा हज और उमरा की सआदत हासिल हुई। और ये मैं अपनी कमी कोताही या कुछ भी आप समझें, ये मानूंगा कि हम इसी को समझते थे कि यही का बाहर का मुल्क होता है और जहाज पे सफर ना मक्के मदीने पे जाने के लिए करते, तो ये एक परसेप्शन मैं अपने लिए अपनी नालायकी बता रहा हूँ। ये पहला टर्निंग पॉइंट था 2016 में जब मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने मुझे चाइना एक अहम टास्क के लिए भेजा। हमने बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट की थी, प्री शिपमेंट करनी थी, तो मैं गुआंगजू गया मकाओ और हांगकांग के पास चाइना में, और बैंकॉक से होते हुए हम गुजरे तो पता चला नहीं सऊदी अरब के अलावा और मक्के मदीने और हज और उमरे के अलावा भी दुनिया होती है। तो एक टर्निंग पॉइंट था जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। और उसके बाद एक लंबा सफर शुरू हुआ जिसमें रास्ते में दुबई भी आया, ओमान भी आया, तुर्की भी दो बार गए, यूके आया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेटा फोरम की जो इंटरनेशनल लेवल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो इंसिग्निया मेरे लगा हुआ है इसको, इसकी कॉन्फ्रेंसेस, दो तीन कॉन्फ्रेंसेस मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस। और पिछले साल मैं वाइस चांसलर साहब की इजाज़त से स्विट्जरलैंड गया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डाटा फोरम को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, बहुत लोगों से 196 ममालिक के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत नॉलेज हासिल हुआ ट्रैवलिंग से। और एंड पे मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज ट्रैवलिंग। उसके बाद बहुत सी जगहों पे गया था, मैंने बहुत से कामयाब मॉडल दुनिया में देखे या सुने थे, अमरीका, चाइना, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर, शौक था। तो अभी मुझे पिछले माह मौका मिला वर्ल्ड डेटा जो है फाइनेंस फोरम में पार्टिसिपेशन का, बीइंग सीएफओ मुझे इनविटेशन आई और मैं वाइस चांसलर साहब की इजाजत से वहां पे दुनिया के बेहतरीन सीएफओज आए हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी डिलीब्रेशन की,
और ये मौका भी मिला कि मैं स्टार भवानी साहब से मिलूं, उन्होंने भी बड़ी शफकत की उनके साथ भी लीडरशिप पे, और बाकी बात हुई उन्होंने भी साहब को और बाकी अहबाब को बुक्स भेजी। तो वो सारी जो जो चीजें थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के दौर में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहाँ खड़े हैं और दुनिया कैसे सोचती है, कैसे आगे चलना चाहती है और कैसे ये दुनिया जो कामयाब मॉडल्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और उसके साथ फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। जी मैं अहबाब को बरकत के लिए सरकार का दुरूद पाक शेयर कर रहा हूँ। ये दुरूद कुदसी है जो सरकार की जात पे अल्लाह ताला की जात पड़ती है, जिसमें कोई नुक्ता नहीं है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। ये खैर बरकत है, अहबाब भी पढ़ लें तो ये बड़ी खैर बरकत इसके अंदर होगी। मैं जो आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो लीडरशिप की बात है, वुका ड्रिवन इरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0, इस पे बात करेंगे। बहुत से अहबाब ने ये लफज सुना होगा, इंडस्ट्री 4.0 सुनी होगी, वुका सुना होगा। मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन करें आज के तनाजर में, आज की लीडरशिप के हवाले से, आज के मसाइल के हवाले से, और इसको आगे लेके हम चलें, जिससे हमें समझ आए कि दुनिया चीजों को कैसे लेके चल रही है। तो हज़रात ग्रामी सामईन ग्राम, वोलेटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एम्बिगुअस, दैट इज कॉल्ड वुका, और इसको दुनिया में न्यू नॉर्मल कहा जाता है। ये दुनिया में ये एक प्रिविलेज, ये एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। ये असल में 1991 में और 1987 में तकरीबन, उस वक्त ये जब रूस का डाउनफॉल हो रहा था, अफगानिस्तान खत्म हो रहा था, और उस वक्त ये एक फौजी टर्म के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो बुक्स में आया, इसके ऊपर बात हुई, और आजकल इसको जदीद दौर में नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के की क्वालिटीज के तौर पे देखा जाता है कि वुका ड्रिवन जो इरा है, जो इस दौर में जो इतनी तेजी है, उसमें इंडस्ट्री 4.0 और लीडरशिप कैसे सरवाइव करेगी, कैसे आगे लेके चलेगी, कैसे कामों को आगे बढ़ाएगी। तो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। ये तो तारफ तो मर्जी साहब का हो गया है। जी वुका मेन क्रक्स, मेन बात, मेन जो हमने बात करनी थी वो ये है कि 2012 में, आज से ठीक 10 साल पहले, इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, ये अगर आप नेट पे जाके देखना चाहें तो एक जबरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूट है जो फ्यूचर की बातें सुनाता है आपको। उसके जो राइटर हैं बॉब जॉनसन साहब, ये उसके पायनियर्स में शामिल हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले एक बुक लिखी, लीडर्स मेक द फ्यूचर 10 लीडरशिप स्किल्स। उसमें वो लिखते हैं व्हाट विल बी द न्यू हेड्स ऑफ स्केल एंड इंडस्ट्री ऑफ द वुका वर्ल्ड, क्या होगा। Having spent 40 years forecasting, I believe that the future world will be more volatile, more uncertain, more complex, and more ambiguous. ये चार terms हैं जो इसको सारे को comprise करती हैं। वो ये कहता है कि जो आने वाला वक्त है ना, वो ज्यादा, ये 10 साल पहले वो कर रहा था और आज हम उसको हम देख रहे हैं, उस दौर में गुजर रहे हैं। तो मैं सामईन ग्रामी कदर वन बाई वन इनको जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम वुका की अंडरस्टैंडिंग कर सके, फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है। तो सामईन ग्रामी कदर वोलेटिलिटी, रेट ऑफ चेंज, कितनी तेजी से चीजें बदलती जा रही हैं। आज से 20 साल पहले जो अहबाब थे उनको याद है कि आप जब दफ्तर से ऑफिस से शाम को वापस आते थे तो वीसीआर का दौर था, आप पूछते थे इंडिया की कौन सी फिल्म आई है, कौन सी कैसेट आई है, और हम वो पसंद करते थे उसको देखना। आज का दौर ये बताता है कि शाम को हम मार्केट में जाते हैं, मेरे फैसलाबाद में देखें कचहरी बाजार में, वो कहते हैं कि जनाब मोबाइल कौन सा नया आया है, लैपटॉप कौन सा आया है, नया सॉफ्टवेयर कौन सा आया है,
कितनी तेजी है चीजों को चेंज होने में। अभी आपने अपने कोई भी ईआरपी का सॉफ्टवेयर कोई चीज लगाई है और साथ ही वो चेंज हो गई है, कितनी तेजी से वो चेंज होती जा रही है, उसका चेंज का रेट जो है वो जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। और वो हम देखते हैं कि जितनी वोलेटाइल वर्ल्ड होगी उतना ही फास्टर चीजें चेंज होती जाएंगी, मोबाइल चीजें आप उसको देखते हैं और वो धड़ाधड़ चेंज होती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती। दूसरा लफ्ज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं कि आप फ्यूचर को कितना परफेक्टली फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। रूस की जो जंग है यूक्रेन के साथ उसका क्या होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, दुनिया में रिसेशन के क्या मसाइल हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं कि कम रही हैं, हो रही हैं, आपको वो प्रेडिक्शन का लेवल नहीं मिलता क्योंकि आप अनसर्टन होते हैं, आप उतना आपको यकीन नहीं होता कि यार मैं जो ये प्रेडिक्शन करूंगा ये कितनी होगी। तो जितनी अनसर्टनिटी होगी उतना ही आपको प्रेडिक्शन करने में मुश्किल होगी। ये एक फीचर हो गया। आगे हम आए कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि एक चीज है, मैं सिंपल सा कहूं कि ये दो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं एक एग्रीकल्चर के हैं एक नॉन एग्रीकल्चर के हैं, ये सिंपल सी क्वेश्चन होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में 7 फैकल्टियां हैं, 7 फैकल्टियों में मॉर्निंग में कितने हैं, इवनिंग में कितने हैं, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, हॉस्टल में कितने रहते हैं, डे स्कॉलर कितने हैं, डिग्रियां कितनी हैं, उन डिग्रियों में किस किस सेमेस्टर में कितने कितने स्टूडेंट आए हैं, पहले सेमेस्टर के कितने हैं, सेकंड सेमेस्टर के कितने हैं, आउटगोइंग कितने हैं, इनकमिंग कितने हैं। तो हज़रते ग्रामी जितने आपके फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे ना उतना ही वो मामला कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और आपको आप एक ट्रेडर हैं, आप एक CFO हैं, आप एक CEO हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक वाइस चांसलर हैं, आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ही आपको फैसला करने में मुश्किल होती चली जाएगी। तो मोर कॉम्प्लेक्स द वर्ल्ड इज द हार्डर टू एनालाइज, उसको एनालाइज करने में आपको मुश्किल पेश आती है। और आखिरी बात रह जाती है एम्बिग्युटी। राधे ग्रामी हमने कभी कैमरा देखना हो दूरबीन से देखे तो कभी धुंधली सी चीज नजर आती है, जब चीजें वाज़े नहीं होती वो उसमें उसको उसको करने में क्लैरिटी में नहीं आती हमारे पास, तो उलझन होती है, एम्बिग्युटी होती है। तो उसको देखने के लिए जो लीडर में विजन होनी चाहिए वो कैसी होगी कि वो एम्बिग्युस सिचुएशन में कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने कैसे चलना है। तो जितनी एम्बिग्युस वर्ल्ड होती है उतनी ही उसको इंटरप्रेट करना किसी भी सिचुएशन को मुश्किल होता चला जाता है। तो हज़रात गिरामी ये है वो का ये जो मैंने बात बताई, कॉम्प्लेक्स होता है, वोलेटिलिटी है, एम्बिग्युइटी है और अनसर्टेनिटी है। तो ये चीजों को आगे बढ़ाती है इस माहौल में आज के लीडर्स काम कर रहे हैं, वो कोई भी हो, आप अपना बिजनेस साथी कर रहे हो, आप अपने घर को चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप इस दौर में गुजर रहे हैं और इस दौर में आपके अंदर क्या होना चाहिए हम आगे जाके देखते हैं। इसने क्या किया है, अभी बात हो रही थी डेटा साइंस, करेंसी जो है वो आजकल तेल नहीं है, डेटा करेंसी है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। और उस डिजिटलाइजेशन के साथ आपको जो लीडर चाहिए वो लीडर कैसा होगा, नेक्स्ट जनरेशन का लीडर अगर उसको ये चीजें डिस्ट्रप्शन का पता ही नहीं है तो वो कैसे फैसले करेगा। और डिस्ट्रप्शन ने आपको टोटली चेंज करके रख दिया है। और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन सी डिस्ट्रप्शन है वो जो आपके सामने आपको नजर आती है। डिजिटल एज आ गई है, उसके अंदर अगर आप रातिग्रामी देखें, जो सामने देख रहे हैं, द लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी ओन्स नो व्हीकल, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी उबर है, उसकी अपनी एक भी टैक्सी नहीं है। क्या किया है, लोगों की टैक्सियों को अपने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, उससे उनका भी फायदा हो गया है, उसका भी फायदा हो गया। कोई आपको एक भी गाड़ी लेनी पड़ती है तो आपको 25-25-40-50 लाख रुपया लगा के एक गाड़ी ले लो, उसने लाखों गाड़ियां इकट्ठी करती हैं और उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और उसके ऊपर एक भी रुपया उसका नहीं लगाया कि उसने गाड़ी कोई भी ओन नहीं की है। फेसबुक आप रोजाना गुजराते ग्रामीण इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे अपना कॉन्टेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन भाईजन उसके पास तो उसने कोई मीडिया सेल नहीं बनाया हुआ, कोई उसका स्टूडियो नहीं है, आप उसको बना बना के दे रहे हैं और अब वो उसको पैसे कमा रहा है। कंटेंट आप बना के देते हैं, उसने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया है जिसके ऊपर आप उसको काम को लेके चल रहे हैं।
The biggest retailer owns no inventory. Alibaba के पास दुनिया जहान की हर चीज है, जो चाहे आपको दिमाग में आए ना वो अलीबाबा देने को तैयार है, लेकिन उसकी अपनी इन्वेंट्री नहीं, लोगों की इन्वेंट्री को उसने किया है। The largest accommodation provider owns no real estate, Airbnb. पूरी दुनिया में मैंने जहां जहां पे गया हूं, आपको होटल लग जाने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ वेबसाइट पे Airbnb जाएं, आप जिस सड़े छोटे बड़े शहर में रहना चाहते हैं, आपको कमरा एक दिन के लिए, दो घंटे के लिए, दो साल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, आपको वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं रखी हुई, लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, डिजिटलाइजेशन कर दिया, डिस्ट्रप्शन कर दिया है। अब इस मुकाबले में एक बंदा जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है होटल वाला, और वो पूरी दुनिया में होटल चला रहा है, पूरी होटल इंडस्ट्री को आगे पीछे करके रख दिया, वो टैक्सी वालों को आगे पीछे करके, तो ये जो सिचुएशन है, मार्केट की डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गई है, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, ये किस जगह पे हुआ है? इंडस्ट्री 4.0 में। इंडस्ट्री 4th जो रेवोल्यूशन आई है आपको इंडस्ट्री की, उसके अंदर ये कुछ हुआ है, ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि लीडर को भी तो डिजिटलाइज होना पड़ेगा ना, उसको भी तो वैसी ही सोच होनी लानी पड़ेगी। और हम आगे जाके देखते हैं, 4 इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, चार जो फेजेस आए हैं। पहले सबसे पहले इंडस्ट्री 1.0 आया, वो वहां पे मैकेनाइजेशन हुई, स्टीम के इंजन बने, गाड़ियां चलनी शुरू हुई। उसके बाद इंडस्ट्री 2.0 आया, जिसमें मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा बड़ा लाइनों पे ज्यादा मास प्रोडक्शन होनी शुरू हुई। फिर इंडस्ट्री 3.0 आई 1969 में, जिसमें ऑटोमेशन आई, कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, और आज हम इंडस्ट्री 4.0 में बैठे हैं, जहां पे साइबर चीजें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। ज़रा-ए-ग्रामी हम, मैं वहां से आपको लेके आया हूँ, जहां से आप जरा गौर करें ना कि वो वुका का वर्ल्ड है और इंडस्ट्री 4.0 का इरा है। उस इरा में आपको ऐसा लीडर चाहिए जो आपकी चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेके चले। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग 4 में, इंडस्ट्री 4 में थे, तो इंडस्ट्री 5.0 तो आ भी गई है। अभी शायद हम सब, बहुत से लोगों को तो इस इंडस्ट्री 5.0 का पता ही नहीं, उन्होंने इंटायरली इस सारे जो इंडस्ट्री 4.0 थी उसको आगे ले गए हैं, इंटायरली उसको चेंज करके रख दिया। उन्होंने कहा जी कि टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं होती कि लोगों को खत्म करके मार के तो आप प्रोडक्शन बनाते जाए, उसको ह्यूमन सेंट्रिक करें, लोगों का ख्याल करें, लोगों के ख्याल रखते हुए आप अपना मुनाफा कमाए, ये उन्होंने बुनियाद, प्रॉफिट ड्रिवन टू सस्टेनेबिलिटी। आज ही ना खा जाए सारा कुछ, हमने जो मुल्क में, दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, 2030 की बात हो रही है, वो पहले ये हमारा जो पाकिस्तानी वतीरा है या हमारा जो है, और ये आज की दिहाड़ी लगा लो, कल फिर देखी जाओ, दुनिया ऐसे नहीं सोच रही है। दुनिया डाटा की बेस पे कहती है 2030 में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आबादी क्या होगी, 2050 में हम कहाँ खड़े होंगे, दुनिया कहाँ खड़ी होगी, उसकी बेस पे हमारे वसाइल आज क्या है, उस दिन क्या होंगे, सारा कुछ अपनी आप खुद ना खा जाएं, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए सस्टेन करें, उनके लिए भी कुछ रख के जाएं। तो ये प्रॉफिट जो है उसको उन्होंने कहा जी कि सस्टेनेबिलिटी के मूड में लेके जाएं, और एफिशिएंसी फोकस को रेजिलियंस फोकस कर दिया है। ज़रा-ए-ग्रामी मैं इस पर रेजिलियंस पे आपको बात बताना चाहती हूँ। रेजिलियंस क्या होती है? एक होती है पेशेंस, आप सबर करते हैं। रेजिलियंस होती है लचक। हमारे हजरत मौलाना असरार माविया साहब हमारे खतीब हैं जामे मस्जिद में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ज़रा-ए-ग्रामी कदर, एक होता है दरख्त की होती हैं शाखें। जब भी हवा चलती है, तूफान आता है, तना खड़ा रहता है, लेकिन जो उसकी कोंपलें होती हैं, जो उसकी शाखें होती हैं, वो हवा के साथ मूव करती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो टूटती नहीं है, लेकिन तना जो अपनी जगह पे कायम रहता है। हम अपने मसालक में, अपने मुल्क में, दीन में बात करते हैं, फ्रोई इख्तलाफात है हमारे। तो ज़रा-ए-ग्रामी फ्रो पता किसको कहते हैं? फ्रो शाख को कहते हैं। तो फ्रोई जो इख्तलाफात है वो तो शाखों के इख्तलाफ है ना, लचक के लिए है, दीन की सरबुलंदी के लिए है, कोई इख्तलाफ नहीं है, वो
जो जो शाखे है ना उसकी तरह फ्रो है, वो हवा के साथ ऊपर नीचे होते जाते हैं, वो सख्त नहीं होते हैं। तो रेजिलियंस इसको कहते हैं कि आप लचक अपने अंदर पैदा करें। जब आप लचक पैदा करेंगे, टॉलरेंस पैदा करेंगे, दुनिया ने ये सबक सीख लिया है कि जज्बातियत खत्म हो चुकी, टॉलरेंस, लोगों को बर्दाश्त करें, सुने उनकी बात, रेजिलियंस पैदा करें, तो ये इंडस्ट्री 5.0 का नया कंसेप्ट है जिसके तहत ये हम इसको आगे लेके चलते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इंडस्ट्री 5.0, जैसे मैंने कहा कि वो स्टीम इंजन आए, फिर उसके बाद अगली बार प्रोडक्शन शुरू हुई, ऑटोमेशन आई, इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन हुई। इंडस्ट्री 5.0 में साइबर फिजिकल चीजें आ गई, कॉग्निटिव सिस्टम्स आ गए, मैं आगे जाके बात करता हूँ, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग आ गई, कल्चरल कोलैबोरेशन, मास कस्टमाइजेशन, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें नजर आता है। और उस इंडस्ट्री 5.0 की इम्प्लीमेंटेशन जरा देखें, वो क्या है, डिजास्टर रिकवरी है। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे मतलब वाइस चांसलर साहब ने स्मार्ट क्लासरूम का सफर दिया, दुनिया में स्मार्ट एजुकेशन आ गई है। कोविड के बाद आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी है, आप क्लास के अंदर मुकैद नहीं रह सकते, दुनिया ने मूक्स सीख लिया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, येल, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, जिस दुनिया की जो डिग्री चाहिए जनाब, वो आपको घर में बैठे मिल सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो स्मार्ट एजुकेशन का पूरा सप्लाई चेन आ गई है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, मशीनें आपका ऑपरेशन कर रही हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट आ गया है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इंडस्ट्री 5.0 की, बाइन्यूरल बीट्स आ गई है भाईजान, आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्रेशन में है तो आपको वेव्स के साथ आपके दिमाग को सही कर दिया जाएगा, आपको नींद नहीं आती तो वेव्स के साथ, बाइन्यूरल बीट्स के साथ वो आपका इलाज कर देंगे। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है, आपको ये हर वक्त अपनी सिरिंज लगा के शुगर देखने की जरूरत नहीं है, अपना बीपी देखने की जरूरत नहीं है, आपका एक स्मार्ट क्लॉथ होगा, सूट होगा। मेरे मोहतरम डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट साहब बैठे हैं, हम चाहेंगे कि ये भी हमारे लिए कुछ सूट खरीद लें, तो रात आप सूट पहनेंगे, बीपी, शुगर, हर चीज वो खुद मेजर करता जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लीन एनर्जी आ गई है, आप टेस्ला की गाड़ियां देखती हैं, बगैर ड्राइवर के गाड़ियां आ गई हैं, ऑल टुगेदर चेंज हो गया, लेकिन लिमिटेशंस नो डाउट हैं, उतनी ट्रेंड मैन पावर नहीं है, एडजस्टेबली होने में अभी टाइम लगेगा, डिजिटल फोरेंसिक्स को करने में, और फ्यूचर रिसर्च, हाइपर इंटेलिजेंट नेटवर्क्स आ गए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई है मोहतरम, ब्लॉकचेन आ गई है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक आपको पासवर्ड मिलता है और हर चीज आपकी महफूज हो जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। दुबई में जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर है, सिंगापुर में जितनी प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन के ऊपर है, पटवारी और बाकी चीजों का हैसल ही खत्म हो गई। तो ये चीजें हैं जो 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 हमें इंडस्ट्री 5.0 में लेके चलती हैं। और अभी हमने लफज रोबोट सुना था, अब हजरात ग्रामी कोबोट्स आ गए हैं, बंदे के साथ मशीन मिलके काम करेगी। आप देखते हैं कि वो उनका नाम उन्होंने कोबोट्स रख दिया है। तो आगे से आगे जो चीजें आगे आ गई हैं। अच्छा, ये बातें करना, और हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं और हमारा जो मजाज ऐसा ही है कि बातें करेंगे और ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो रात ग्राम में हम वे आउट देखते हैं ना कि दुनिया ने इसको कैसे हल किया, ये इतना बड़ा जो चैलेंज था उसको कैसे लिया और कैसे उसको हल किया, तो उसके 10 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एम्ब्रेस दी न्यू लॉजिक, आप इस बात से डर के खौफ ज्यादा बैठ जाएं कि यार उसके पास तो टेक्नोलॉजी आ गई, उसके पास तो हाइपर चीजें आ गई और मैं बस नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दुनिया ने उसके गेंस से नई अपनी लॉजिक लगाई है, वो छुप करके उससे नहीं बैठे हैं। ये हम जिस ये जो सॉफ्टवेयर जिसपे अपना अपना ये हम वेबिनार कर रहे हैं, ऐसा ही एक नाम था, वो बर्गर बनाते थे अमेरिका में, वो भी जूम थे, अब उसका नाम उन्होंने जूमी रख दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान में करते हैं कि गर्मा गर्म पिज्जा आपके घर में पहुंचेगा, उन्होंने कहा जी गर्मा गर्म क्यों पहुंचेगा, उन्होंने ट्रक बना दिया, ट्रक के अंदर ओवन रख दिया, उन्होंने कहा जी आपके घर की तरफ आप ऑर्डर देंगे, रस्ते में बनता आएगा, आपको गर्मा गर्म मिलेगा जनाब। हम तो अभी इसी बात पे थे ना कि हम कोई ओवन लें और उसके अंदर वो उसको बंद करके गर्मा गर्म ले गए, उन्होंने कहा नहीं जी ट्रक हमारा ऐसा होगा, जूमी पिज्जा आप जाके नेट पे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी ना हमारा आप रस्ते में बनता आएगा, जैसे आपने अक्सर देखा हो सीमेंट की जो होता है वो रोल करते जाते हैं।
नई लॉजिक लाए ना आप रिडंडेंट होके ना बैठ जाए, स्टार्ट न्यू मोर डिबिलेटरी, सोच समझ के आगाज करें। नहीं अब मतलब मेरे पास कल एक दोस्त आए हमारे ओनसाई साहब, वो कह रहे कि मैं पिंक साल्ट का काम करता था और मैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, अब कोविड आया कंटेनर महंगे हो गए, मुझे फिजिबल नहीं रहा, तो मैंने उसके फिर अल्टरनेट देखने शुरू कर दिए। मैं लिंक्डइन देखता रहा, मैंने 15-16 घंटे, और हत्ता कि मैं एक महीने के बाद कामयाब हो गया कि मैंने जनाब ना जो मेडिकल सप्लाई थी पूरी दुनिया को देनी शुरू कर दी। मैंने कहते मैंने इतना सीखा कि आप, मैं लोगों की कोचिंग करता हूँ कि यार लिंक्डइन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो आप जब कुछ चीज सोच के करें, उसको चेंज करें, तो आपको नई चीज। फोकस ऑन योर राइट टू विन। आप ये ना करें कि जनाब मैंने क्योंकि बस मैं पिंक साल्ट ही करता था, वो कुछ और नहीं करना। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कंपनियां डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट करती हैं, वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हैं, स्टार्ट में भी इन्वेस्ट करती हैं, वो जमीन पे भी इन्वेस्ट करती हैं, बिजनेस में भी करती हैं, रेल स्टोर भी उनका है, टैक्सी का भी उनका स्टैंड है, जहाजों में भी उनके शेयर हैं। तो आप उसको अपने आप को देखें कि कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, जितना जितना आप अपने उसको वाइड करेंगे तो वो क्रिएट योर कस्टमर्स फ्यूचर। ये एक बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए कस्टमर आपसे क्या चाहता है, आपका कस्टमर है कौन। मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो मेरा कस्टमर मेरी क्लाइंट मेरी फैकल्टी मेरे स्टूडेंट्स है। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका जो बिजनेस है, कोई जूते बना रहा है तो उसको जूते वाला, कोई खाना बना रहा है तो उसका खाने वाला। तो आप देखें कि कस्टमर की नीड क्या है। दुनिया ने इसका हल ये निकाला कि डिजाइन थिंकिंग पे आ गए। डिजाइन थिंकिंग क्या है, बहुत से आप तो जानते होंगे लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बयान कर देता हूं। डिजाइन थिंकिंग ये होती है कि कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, घर में खाना वाइफ ने अम्मी ने अच्छा पकाया हो तो आप कहते वाह जी वाह आज मजा आ गया। ये जो वॉ निकलना है ना, इसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मिले, आप सोच के जाएं कि मेरे साथ ये ऐसा होगा, ये चीज मैं गाड़ी मैंने मोबाइल या कोई चीज ली है तो उससे उसके ज्यादा फीचर निकले। सिंगापुर में जो सारी सर्विस डिलीवरी है दैट इज बेस्ड ऑन डिजाइन थिंकिंग। Netflix डिजाइन थिंकिंग से आई है, Uber डिजाइन थिंकिंग से आई है, Airbnb डिजाइन थिंकिंग से आई है, जो Facebook है ये डिजाइन थिंकिंग से आई है। उन्होंने देखा लोग क्या चाहते हैं, जब लोग चाहते हैं तो उससे ज्यादा कुछ आपको मिले तो वो वॉ है, और वॉ जो है वो डिजाइन थिंकिंग है। तो आप उसके लिए हम आते हैं जी प्राइस टू ड्राइव। आज से 20 साल पहले नेस्ले नहीं होता था, मैकडोनल्ड नहीं था। आपको डिमांड की है, प्राइस आपकी वो लेमोजीन वाले कहते हैं द पर्सन हु आस्क फॉर प्राइस इज नॉट आवर कस्टमर। वो कहते हैं हमने वो जाके पूछे ना कि जनाब लेमोजीन कितने की है, वो हमारा ग्राहक ही नहीं है। आगे गए जी मुझे बुक कर दे। मैं अपने फैसलाबाद की आपको मिसाल देता हूँ। जंग बाजार में जाए ना जी, आम हो सेब हो फल हो तो वहां पे 2 रेहड़ियां लगती हैं मालिक की, छांटी करता है वो। जो हल्के सेब होते हैं हल्के आम होते हैं हल्का फल होता है वो जंग बाजार में लगाता है, लेकिन आला जो फल होता है आला सेब होते हैं आला जो आम होते हैं वो सूत्र मंडी के बाहर भाइयों लगाता है। क्योंकि सूत्र मंडी से जो आने वाले बंदे ने ना कीमत नहीं पूछनी, उन्हें कहना 10 किलो कर दे चल जी, लेकिन जंग बाजार वाले ने असी जाके लड़ना नहीं जी, असी 20 रुपये देने, असी 25 रुपए देने। तो वो प्राइस डिटरमिन करती है कि आपने प्राइस रखी क्या है। जब आपकी प्राइस होती है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने में उसके आगे चले जाए आप। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अहबाब सुन रहे हैं तो सवाल भी लेंगे इंशाल्लाह जो आए, और बाकी चीजें भी देखते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ओवरलुक्ड एसेट्स। कभी कभी आप देखते हैं कि आपसे बहुत से एसेट्स छुपे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है। गाड़ी खराब थी, थोड़ा सा काम करना था ठीक हो जानी, फ्रिज तो थोड़ा सा उसमें गैस डलवाते तो ठीक हो जाते, मिसाल दे रहा हूँ। कोई आपका AC था, और ये भी तो हो सकता है कि आपके कुछ अहबाब हो जिन्होंने सिटिया हुए कि जनाब ये तो काम ही नहीं कर दे, क्या मतलब वही हीरे हो आप, उनको कभी तो जिम्मेदारी दे के देखे ना। ओवरलोड चीजों को भी तो कभी नजर डाले ना कि यार इनको भी जरा मौका दें, इन चीजों को इन लोगों को, तो आपको चेंज नजर आएगी। कंट्रोल योर पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, छोड़ के मत भागे, जहां खड़े हैं उधर खड़े रहें, खड़े होके आप अपना काम करें कि ये मेरा राइट है, मैं ये कर सकता हूं, इम्पॉसिबल इज नथिंग, मैं कर लूंगा। जब आप खड़े रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अगली बात, इंटीग्रेट नॉट डू नॉट ऑसिलेट। मैंने ये पहले भी बात की, दुनिया को करीब लाएं।
बहन भाइयों को करीब लाएं, फैकल्टी को, अहबाब को, दोस्तों को करीब लाएं, तोड़े ना, रिश्ता कायम रखें। और जब आपका रिश्ता कायम रहता है ना, तो आपके साथ कामयाबी जुड़ना शुरू हो जाती है। लोगों को करीब लाएं, पास लाएं, और चीजों को पास लाएं तो आपको आसानी आनी शुरू हो जाएगी, और जितनी आप कुर्बत करेंगे आपको उसमें मार्जिन मिलने शुरू हो जाएंगे, नई नई चीजें। और चैलेंज दी रूल, कभी कभी रूल को चैलेंज भी कर दिया है, हर वक्त ब्यूरोक्रेट नहीं जी, नहीं अरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी कभी थोड़ा सा चैलेंज करें, क्योंकि फॉर्चून फेवर्स दी ब्रेव ओनली। किस्मत सिर्फ बादलों का साथ देती है, बुजलों का साथ नहीं देती। कभी कभी उस पर भी निकलें और डिफाइन ए न्यू वे ऑफ वर्किंग। कभी आप देखें ना कि आप जरा यार इस बॉक्स से बाहर भी निकल के देखते हैं। अभी बात हो रही थी, हमारे बादशाह साहब ने हमें रिट्रीट प्रोग्राम दिया, बाहर निकले अपने जो दफ्तर का घर का उस रूटीन से बाहर निकले और बाहर जाके सोचे हैं जरा यार दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितनी ऑप्शन है, दुनिया में कितनी खूबसूरतियां हैं, अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दी हैं। तो जब आप उसको नए वे से सोचना शुरू करेंगे तो आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती। तो ये एक था। अगर हम देखें जो मैंने जितनी भी बात की, तो उसके लिए अगर हम वोका इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्रियल और उस पे नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स की कॉम्पिटेंसी उसकी क्या होगी, तो जरा देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। अगर 2015 में हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेटिंग, पीपल मैनेजमेंट, क्रिटिकल, तो अब एंटायरली डिफरेंट चीजें आ गई हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ऊपर आ गई है, क्रिएटिविटी सबसे ऊपर आ गई है, वो चीजें ज्यादा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में आगे जाके बात करता हूँ, तो वो और ज्यादा आगे आपको नजर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि शिफ्ट आ गया है। आपको नजर आ गया है कि दुनिया कैसे सोचती है, कैसे आगे बढ़ती है, वो उसके उसकी बेस पे आगे चलती है। जी ज़राती ग्रामी कदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ये स्लाइड आप लोगों ने बॉसों ने सुना होगा और बॉसों ने नहीं सुना होगा कि एक बड़ा ही वंडरफुल आइडिया है ब्लैक स्वान इवेंट्स। कॉग्निटिव रेडीनेस, आपकी दिमागी सलाहियत कितनी तेज है। ये कोई वक्त था दुनिया में यही कंसेप्ट था कि जो डक्स होती हैं ये सिर्फ सफेद होती हैं। फिर एक साइंसदान ने उसको डिस्कवर किया ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया में काली जो ब्लैक कलर की स्वान्स भी होती हैं। तो उससे फिर 2007 में एक प्रोफेसर साहब थे, फिनांस के प्रोफेसर नसीम निकोलस तालब, इन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट्स के नाम से एक बुक लिखी 2007 में। कहता है कि ऐसा काम, ऐसा वाकया जो आप प्रेडिक्ट नहीं ही ना कर सकें, उसको ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। ये दुनिया में नया कंसेप्ट आया कि ब्लैक स्वान इवेंट आ जाए तो फिर आप जीनी तौर पे कितने के तैयार हैं, आप क्या रिएक्ट करेंगे, उसके पास आपके पास कंटिजेंसी प्लान कौन सा है, करेंगे क्या। और ब्लैक स्वान इवेंट, मेरे बहुत से मैं जगहों पर बात की ना, तो वो सबका यही ख्याल था कि ब्लैक स्वान इवेंट जो होता है ना, ये जैसे कोविड आ गया जी। मैंने उनका ये बिल गेट्स ने तो 10 साल पहले बता दिया था कि आने वाला है, 1920 से नजला जुकाम सारस की सूरत में चल रहा है। ब्लैक स्वान इवेंट अगर आपने देखना हो ना, तो 9/11 देखें। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि पेंटागन पे हमला हो जाए, ट्विन टावर पे जहाज लग जाए, पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज हो गया। रिसेशन आया 2009 का, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी बैठ गई, बेल आउट पैकेज देना पड़ा। वो जो सोचा ही ना जा सके, दैट इज कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस, मेरे दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं, इसको जरा देखें कि ये ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है और इसका जो प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। ये हम एंड की तरफ आ रहे हैं। हमने बहुत सी बातें की, जो इंडस्ट्री 4.0 की, वूका की, जो उसके आगे हमने ब्लैक स्वान इवेंट की बात की। तो हम आप देखते हैं कि ये जो जिन्होंने इसको लीड करना है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर सलाहियत कैसी होनी चाहिए, और वो उसको हम ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एसोसिएशन ने एक फार्मूला बनाया है जी, हम ये आपके साथ शेयर करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है, इसका क्रक्स है, इसका मेन थीम है
जिसकी बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं मेरी ख्याल के मुताबिक। वो कहते हैं कि कॉग्निटिव रेडीनेस के हवाले से क्या इंडस्ट्री 4.0 में आपके पास कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए। मेंटल कॉग्निशन, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट योर थॉट्स एंड इमोशंस। आप अपने इमोशंस और थॉट्स को कितना रेगुलेट करते हैं, कितना आप अपने अंदर रखते हैं, आपकी आपके अंदर जज्ब करने की सलाहियत कितनी है, आप पोटैटो होल कितने हैं और आप जज्ब करने वाले कितने हैं, आपके इमोशंस, आपकी जो थॉट्स हैं वो क्या बाहर रुलती फिरती हैं, या आप अपनी कंपैक्ट और कंपोज तरीके से आपको अपने आप अपनी ज़हनी सलाहियत को कितनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको आगे लेके चलते हैं और उसकी बेस पे जो फैसले करते हैं वो किसी जज्बातियत के साथ, किसी गुस्से के साथ, किसी मोहब्बत के साथ, किसी बायसनेस के साथ नहीं करना, वो उसको उस अपनी थॉट के साथ अपनी कंपोज करके उसको करेंगे तो तब आपके साथ आपको कॉग्निटिव रेडीनेस आएगी, आपकी दिमागी सलाहियत तब बेहतर होगी जब ये आपके वो कहते हैं ना मौजे थिंग को उन्होंने जो सुनाया जोक इंग्लिश में वो नहीं हंसा, जब उसके इंटरप्रेटर ने उसको चाइनीज में इंटरप्रेट करके दिया तो फिर वो खिलखिला के हंसा। तो उसके इंटरप्रेटर ने पूछा कि जरूर आपको इंग्लिश तो आती थी, उनका ये क्यों दूं, उसकी जुबान में मैं रिस्पॉन्स क्यों दूं, मेरी इमोशंस पे इतना कंट्रोल है कि मैंने तुम्हारी बात सुन के अपना हंसी दी। जब आपके अंदर ये वो करते हैं ना, आप सुनते हैं कि हम मुख्तलिफ दुनिया में जाते हैं क्या मजाक हमारा होता है, वो चाइनीज बोलते हैं कहते हैं आप अपने आपने हमारे साथ बात करनी है, अपना इंटरप्रेटर लें। रूस में जाते हैं वो बोलते हैं ना रशियन, तुर्की में जाते हैं वो कहते हैं कि अपना इंटरप्रेटर ले, हमने तो तुर्की बोलनी, और हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमने इंग्लिश बहुत ऊंची सार में बोलनी। तो वो बात अच्छा जी, अटेंशनल कंट्रोल, मैनेज एंड फोकस योर अटेंशन। आप अपनी अटेंशन को कितना फोकस्ड करते हैं, कितना आप फोकस करके उससे रिजल्ट हासिल करते हैं, कितना आपके पास मार्जिन है। उस दिन मैं फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में था तो वहां पे उन्होंने बात की कि कितना कैसे जो कॉरिडोर में और किसी कंट्रोल, आपकी हर चीज दुनिया में सही नहीं हो सकती, आप कहें जी सारी सहूलतें भी मिल जाएं, हालात भी बिल्कुल सही हो जाएं तो तब आप कुछ करेंगे, नहीं, आपके पास जो विंडो है ना आपने उसी के अंदर काम करना है। दुनिया की बेहतरीन फिल्में आज भी ईरान से आती हैं, कैसे, उनके पास एक छोटा सा मार्जिन है क्योंकि वहां सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन उन्होंने एक विंडो दी है कि इससे बाहर नहीं जाना आपने, और उनका प्रोड्यूसर उसी विंडो के अंदर बनाता है और उसमें से फंटास्टिक कर देता है। तो ये हजरात कमी ऐसे नहीं हो सकता कि आपके लिए सारे रास्ते ठीक हो जाएं, मुश्किलात खत्म हो जाएं, रेजिस्टेंस ही तो आपको जिंदा रखती है, अगर रेजिस्टेंस खत्म होगी तो सारा कुछ ही खत्म हो गया। आप कहेंगे जी नहीं जी हुण पैसे आएंगे, फलां होगा, ये चीज होगी तो फिर हम करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको उस विंडो में अपने टेंशन और अपने करना होगा। सेंस मेकिंग, कनेक्ट द डॉट्स एंड सी द बिगर पिक्चर। मैं इस कमरे में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी जो गुफ्तगु आप लोग सुन रहे हैं, मुझे ये कमरा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे जैसा एक दोस्त भाई अगर इस यूनिवर्सिटी की एडमिन ब्लॉक की छत पे खड़ा हो तो उसको पूरी यूनिवर्सिटी नजर आ रही हो, वो बिगर पिक्चर देख रहा हो। हम माइक्रो और मैक्रो के चक्कर में फंस जाते हैं कि आपको कैसे नजर आ रही है, हम नहीं देखते कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ और वो दूसरे जगह पे बैठा, उसके इलम कितना है, उसकी उसका मकाम कितना है और मैं कहाँ पे बैठा। जब तक हम मैक्रो लेवल पे बात को समझेंगे नहीं, लोगों को खुला दिल नहीं करेंगे, वो जी कल ते और टूटी जी मोटरसाइकिल लेके फिरदा सी, आज तो एडा अमीर हो गया, फिर रब ने दिया है आप खुला दिल करें, आपने थोड़ी दिया है, मालिक ने दिया है उसको, उसको करने दे। आप बड़ी पिक्चर देखे ना, बड़ा कंसेप्ट देखे, उम्मत का कंसेप्ट देखे, हम असल छोटी छोटी ग्रोही चीजों में फंस के सारा कुछ अपना कर लेते हैं। माइक्रो लेवल देखें, बड़ा लेवल देखें, मुल्क का लेवल देखें, उम्मत का लेवल देखें, इंसानियत का लेवल देखें। अभी देखें, अभी साल दो साल पहले कोविड आया तो मैंने देखा कि मैंने पढ़ा भी, सरकार ने फरमाया कि अगर आपको ऐसी कोई आफात का सामना हो तो आप जानवरों को, बिल्लियों को, कुत्तों को और चीजों को खाना डालें, वो आपके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये बिला इनसे टाल दे। तो ज़रात-ए-गिरामी कदर
अगर हम उनको चीजें डाल के रब से ये माफियां ले सकते हैं तो अल्लाह के बंदों की मजहब तो बहुत बाद की बात है, इंसानियत की मखलूक की खिदमत तो कर ले। मैं अक्सर कहा करता हूं, मैंने जो पढ़ा है जो जो कायनात में सिर्फ दो लोग जिंदा हैं, एक जो बहादुर थे और एक जो दुनिया की खिदमत इंसानियत की खिदमत करने वाले थे, बाकी तो सारे खत्म हो गए। इंसानियत पहले है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। जानवर का ख्याल करें, मारुफ उसका ख्याल करता है। हम अल्लाह किसी बंदे का ख्याल करें, उसका दिल रखें, उससे मोहब्बत करें, आपके अंदर से श्वाप उठनी शुरू हो जाती है, मोहब्बत निकलनी शुरू हो जाती है, तो आप बड़ी पिक्चर देखें और बड़ा बड़े बड़ा दिल वाले बने। इंट्यूशन, रब ने आपको ऐसा अजीम एक फिक्र बनाई है, खूबसूरत इंसान बनाया है, उसकी मखलूक बनाया है, उसमें एक दिमाग दिया है, दिमाग में आपको इंट्यूशन आती है, कोई उसको शायरी में कन्वर्ट करता है, कोई उसमें मेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च में करता है, कोई एकेडमिया में करता है, कोई नावल लिखता है, कोई एटम बम बनाता है। इंट्यूशन आती है ना मालक की तरफ से, और आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए देखते हैं कि वो उसका रब के साथ तल्लक कैसा है। मैं पिछले दिनों वो सुन रहा था, हमारे मोहतरम जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट है जफर मसूद साहब, वो हमारे पास तशरीफ लाए यूनिवर्सिटी में, तो वो अपनी बात कर रहे थे कि वो आपको पता है कि वो कराची जहाज के हादसे में वो सर्वाइवर थे बचे, तो उन्होंने वो सारा अपना वाकया बयान किया। मैं वो इंट्यूशन के लिहाज से आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जहाज गिरने वाला था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब इज गोइंग टू एंड, तो मैंने देखा कि मुझे कोई गिल्ट या मेरी कोई रिग्रेट तो नहीं है, मैंने देखा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मालक ने मेरे ऊपर कर्म किया हुआ है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, वो ईद की शाम थी और वो साहब जो लाहौर से कराची जा रहे थे और जाते हुए उन्होंने तमाम स्टाफ को एक एक तनख्वाह दी थी। कहते मैं जहाज जो मैं जहाज में बैठा ख्याल कर रहा था, तो कहते मेरा रब्ता ना मालक से ऐसे ही है जैसे मेरी माँ के साथ होता है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूँ, जवाब ये आया कि जहाज तो गिरेगा जफर, तुम बच जाओगे। तो इंट्यूशन जब इस लेवल पे होती है तो मालक से डायरेक्ट कार्यशत, कहते जहाज गिरा, मेरी दौलतें मेरी चीजें सारी दूर थी, लेकिन मुझे इस बात का था कि मेरी मैंने जो नेकी की है ना इसका कोई सिला मिलेगा। तो लोगों ने मुझे निकाला और मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी वालदा वालद परेशान होंगे, कोई और हादसा ना हो जाए कि जहाज गिर गया है, मेरी बात कराए मेरी वालदा से। कहते उन्होंने बड़ी कोशिश की वालदा से फोन ना होगा, मैंने कहा बाप से मिला दे। तो राधे ग्रामी उनके वालद ग्रामी जो है वो मुनव्वर सईद साहब हैं, जो हमारी फिल्मों में और ड्रामों में आते थे, वो उनके वालद ग्रामी कराची में उनकी रहायश। तो कहते मैंने फोन किया तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, हाँ भी काका तेरा की हाल है, ठीक है। मैं तो जहाज से मरा हुआ बच के आया हूँ, अब्बा जी को कोई परेशानी नहीं है, क्या मसला हुआ? वो ठीक है वका, उन्होंने कहा हाँ काका वो मैं भेज रहा, तेरे कजन आ रहे हैं, तेनों हॉस्पिटल देख लेने। अच्छा जी, कहते जब वो वक्त गुजर गया तो अब्बा जी से मैंने पूछा कि अबू जी ये आपने इतना इंडिफरेंट आपने मुझे सवाल का जवाब दिया, आपको होना चाहिए था बेटा क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो? कहते यार तेरा रब से तल्लक है तो हमारा नहीं, तो मालिक ने मुझे भी बता दिया था कि तेरे बेटे जफर की कॉल आने वाली है और मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग यू विल कॉल मी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये जफर साहब से रिकॉर्डेड बात है जो आप सुन सकते हैं। तो आप ऐसे बने ना कि मालिक के साथ बात करने वाले बन रहे, मालिक को जवाब देने वाले बन रहे। जब आप ऐसे ही हो जाएंगे तो मालिक की रहमतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगली बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एनालिटिक एंड क्रिएटिव मेथड्स टू रिजॉल्व चैलेंजेस। जो प्रॉब्लम आते हैं उनको बड़े दिल के साथ आप देखें, वो दफ्तर में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, मुल्क में आ सकते हैं। ये मैंने जो पहले बात की डिजाइन थिंकिंग, उसको ब्रेक डाउन करें ना छोटे छोटे हिस्सों में, क्या वजह है। हम ऊपर से उसको देखते रहते हैं, हम ज़रई यूनिवर्सिटी हैं, हमारे नान के दाद के गाँव वाले हैं, वो गाँव में हमारे मामू और बाकी नाना बू कहते थे वो उसका ही फायदा होना जिन्हें हल डूंगा बोना। जब तक आप हल डूंगा नहीं बाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम को आप ऊपर ऊपर से एड्रेस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम की जड़ में जाना पड़ता है, उसकी रूट काजेस देखने पड़ते हैं। जो इस्तांबुल शहर है ना, मैं जो दो बार जाने का मौका मिला, ये ऐसा ही था ऐसे 20 साल पहले जैसा आज कराची है। हालात खराब, खाना जंगी,
समुंदर में पानी गंदा पानी फेंकते हैं, और जो भी पुर्तगान 2000 में या उससे करीब मेयर बना, उसने लोगों की काउंसलिंग की कि भाई ये आपका रिस्क है, इसमें गंदा पानी ना डालें। तुर्की 8 करोड़ लोगों का मुल्क है, 4.5 करोड़ बंदा उसको अब देखने जाता है, 4.5 करोड़। हमारी उतनी एक्सपोर्ट नहीं है जितनी उनकी, सिर्फ 30 बिलियन US डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। क्लब अपनी जगह पे हैं, मस्जिदें अपनी जगह पे हैं, आला तरीन इंतजाम है, और हजरात ग्रामी मस्जिद में टेबल टेनिस ही पढ़ाया कि नमाज पढ़ के 2 वारियां लानी है ना तो भी ला सकते। लिबरल सफाई, लोगों की काउंसलिंग। अब वहां इतने लोग आते हैं, गांधी नहीं पढ़ते। अभी मैं जो सिंगापुर में था, वहां पे आप चिंगम खा के फेंके 1.5 लाख रुपया जुर्माना है, बस तबीयत खुद ही ठीक हो जाती, वो गांधी नहीं डालते। रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये कैसे हो सकता है कि हो ना। अभी आप तो तमाम अहबाब जितने सुन रहे हैं, इन्होंने मोटरवे पे एक ना एक दिन सफर किया होगा, सरकोता रोड से चढ़ते ही हम बेल्ट लगा लेते हैं और उतरते ही हम फौरन उतार देते हैं। रूल ऑफ लॉ हमारे दिमाग में है ना। हमारे मैं वो इंग्लैंड में था तो मैं खाला को मिलके आ रहा था, मेरा दोस्त साथ था, अहमद साहब यूके में होते हैं मैनचेस्टर में। मैं कहा अहमद साहब गड्डी चुको जरा डिपरशिप पर, या तुम अपना लाइट ही बड़ी डिम की उम्र से, तू तो चल जाना इतने सू मलका बरतानिया ने नहीं छिड़ा, लाइसेंस मेरा कैंसिल हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ उनके दिमाग में है। दुबई में आप किसी जगह नहीं पढ़ेंगे कि जी इशारा तोड़ना मना है, वो कहते जे वो अपना 400 दिरहम पढ़ेंगे आप ही अगली चौक तक जाने तुहाडे ब्रेक ते पैर आ जाना। जब 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 जो रूल ऑफ लॉ होगा तो खुद ब खुद इंप्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे। और ये बहुत ही अगला टॉपिक बड़ा शानदार आ रहा है, मैं इसको आपको adaptability, being willing and able to change with shifting conditions, adaptability आपके अंदर आनी चाहिए। adaptability अगर नहीं ना आती तो आप टूट जाते हैं। जो ने पैसे पहले मैंने बताया, शाख की तरह झूलना सीखें आप, हवा के साथ उसको मैनेज करना सीखें। मैं आपको बड़ा खूबसूरत कोट बताता हूँ, ये इसको जरा आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और डायल अप डिलीवरी मेरी तो खैर क्या होगी, आप ब्रूसली की सुनिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं अडॉप्टेबिलिटी की क्या खूबसूरत उसने मिसाल दी। ब्रूसली कहता है, आप जानते हैं बहुत बड़ा ये जो जूडो कराटे का माहर था, फिल्में थी उसकी, वो कहता है एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस शेपलेस लाइक वाटर, इफ यू पुट वाटर इनटू अ कप इट बिकम्स द कप, you put water into a bottle it becomes the bottle, you put it in a teapot it becomes a teapot. Now water can flow or it can crush, be water my friend, be water my friend. Pani ban jaye, pahadon ke darmiyan se rasta pani banata hai, aur wo kahan chashmon se chalta hai, himalaya se chalta hai aur samundar tak pahunchta hai, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। एडाप्टेबिलिटी जब आ जाती है आपके अंदर, आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है। दुनिया ने जज्बातियत को खत्म करके टॉलरेंस सीख ली है। हम लाल किले पे झंडा लहराएंगे भी, जब ताकत आएगी तो लहरा लीजिएगा ना, अभी तो ना करो। चाइना की हर बार अमरीका उसकी हदूद की खिलाफ वर्जी करता था, वो एक बरासला देते कि हम 1000 कौम है, आप ऐसा ना करें, हम पूरा राइट रखते हैं, लेकिन कभी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन जिस दिन उनके पास पावर आ गई, जहाज ने वायलेट किया, उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने कहा हूं लांगे और ना इतने दिन। अब अमेरिका के जहाज 10 किलोमीटर दूर से चाइना से जाते हैं, उनको पता है इन्होंने मार देना। जब आपके अंदर ताकत हो तो तब आप कुछ करें ना, प्री मेच्योर आप क्लैश करके अपना सारा कुछ तबाह करके रख लेते, जज्बातियत कर लेते हैं। हमने 500 साल 700 साल हुकूमत कर ही ली है ना, अब उनकी बारी है, जब जब हमारी ताकत आएगी तो हम भी कर लेंगे। अडेप्टेबिलिटी करें ना दुनिया का। अभी मैं ये सिंगापुर में था, वहां पे चाइनीज भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, वहां पे आप जाके नेट पे देखिए, आपने लोगों को जानते भी होंगे, वहां पे वो खातून घरों में काम करती थी, उसने तालीम हासिल की, वो वर्थ वाली थी, उसका नाम डॉक्टर
हलीमा याकूब है और वो प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर है और हजाब करती है मेरिट के ऊपर. प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर किसका? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर. मस्जिदें अपनी जगह पे कायम है, चर्च अपनी जगह पे कायम है, सेनेगॉग अपनी जगह पे हैं, टेंपल्स अपनी जगह पे हैं. साल में अभी क्रिसमस था तो क्रिसमस पे गवर्नमेंट ने गलियां सजाई. जब दिवाली आती है तो गवर्नमेंट दिवाली के मौके पे सजाती है. जब रमजान शरीफ आता है तो वो पूरा शहर मुसलमानों के लिए सजाती है. टॉलरेंस जिस बात की इतनी, तो जितनी बी लाइक ए वाटर माई फ्रेंड. और आखिरी बात कम्युनिकेशन, इंस्पायर अदर टू एक्शन, क्रिएट फ्लूइड कम्युनिकेशन. आप बात करना सीखे ना, आप बात करें तो सही ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाएं. जो माशरे बात करने से चुप हो जाते हैं वो तफन ज्यादा हो जाते हैं, लड़ने वाले हो जाते हैं. जो हमारा रवैया है, हम एक दूसरे को मारने हैं, बात करने का मौका दें. डर और खौफ हमने पैदा कर दिया है लोगों के अंदर, यार ना ये ना करना, ना ये ना करना. उसका नतीजा है घर से निकले वो माँ बाप से डर, दफ्तर में आए तो दफ्तर का डर, वो ब्याह हो गया तो बुढ़ी का डर, दफ्तर अपना सालाना दफ्तर च नौकरी की थी ए सी आर का डर, वो मौलवी साहब को गए थे उसे जन्नत उजक का डर, दालत तक गए थे तो इन्हें दालत हो. हमारे तो डर ही नहीं खत्म होते, बात कहाँ करनी है हमने. दौले शाह की चुईया बना दिया है हमने अपनी कौम को, लोगों को, ना ना ये ना करना, ना ना ये करना. उसका नतीजा है फ्रस्ट्रेशन अंदर कट्ठी होती रहती है और वो किसी ना किसी सूरत में फिर वो गलत निकलती है और उसके नतायज हम लोग सारे देखते ही हैं, हमें नजर आते हैं कि हम कितने करते हैं. जी आगे चलते हैं जी. इस डिस्ट्रप्शन ने आज के दौर में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? डिजिटल प्रोफिशिएंसी. सिर्फ फेसबुक ना चलाएं, आप सीखें उसको, मूक्स पे जाए ना, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आपको चीजें मिल रही हैं. कॉग्निटिव रेडीनेस, आप अपने दिमागी सलाहियत को जरा जनाब खोलें ना, आप अपने दिमागों को खोलें कि आपके पास दुनिया कैसे चल रही है, आपने उसको कैसे चलना. दुनिया में 120 साल कोडेक ने सरबराई की, 120 साल, लेकिन कैमरा वो आ गया जिसमें रील ही नहीं पड़ती थी, कोडेक वाइट अब. आप देखें दुनिया में जो जो इंजन जहाज हैं वो दो ही कंपनियां बनाती हैं, एयरबस और जो है ये बोइंग. लेकिन इंजन किसका लगता है? वो रोल्स रॉयस का लगता है, क्योंकि वो इनोवेट करते हैं. आपने देखा नोकिया आया खत्म हो गया, ब्लैकबेरी आया खत्म हो गया. जो इनोवेट नहीं करता वो फिनिश हो जाता. और आपको नजर आता है ना, आप रोजाना आपके हाथों में, सबके हाथों पास, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है. प्रोसेसर कौन सा लगा है जनाब? एंटल का. पता है आपको कि क्यों एंटल का लगा हुआ है? तो दुनिया में और कोई नहीं बनाती, बनाते होंगे, लेकिन ये सबसे टॉप पे है इसलिए कि 100 में से 75 लोग सिर्फ रिसर्च करते हैं कि कल को नया कौन सा प्रोसेसर लाना है. अब भी लैपटॉप में और मोबाइल में सबसे आला जो प्रोसेसर है वो एंटल का लगता है. सिंगापुर में हर सरकारी मुलाजिम के लिए कंपल्सरी है कि साल के अंदर उसने एक मिनिमम तादाद है CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, नहीं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है. हम 20-30 साल से PhD, MBA, MPhil करके बैठे हुए हैं, नया चीज सीखी नहीं हमने, हमने पुरानी वही उसी कार्यक्रम को लेके बैठे हुए हैं. दुनिया आगे जा चुकी है, हम वहीं खड़े हैं. दुनिया उसके साथ चेंज करें उसको. इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस है, लर्निंग की एजिलिटी, आपके अंदर पढ़ने की तलब होनी चाहिए, सीखने की तलब होनी चाहिए. आप नई से नई चीज देखें, दुनिया कहाँ जा रही है, वो सीखने की जब तलब पैदा होगी तो आपके अंदर फ्लो शुरू हो जाएगी. क्रिटिकल थिंकिंग, आप सिर्फ सोचे नहीं यार इसके हल कौन से हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे ये मैं लगा सकता हूँ, ये फार्मूला कैसे कर सकता हूँ, क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ. मेरे अंदर सवाल पैदा होने चाहिए. जब मेरे अंदर सवाल पैदा होंगे तो मालिक जवाब देना शुरू कर दे. मेरे अंदर सवाल ही पैदा नहीं होते, मैं उस तरह सोचता नहीं, कहता ही बस रब की रजा है, दम भी रब की रजा ऐसे नहीं है. आप सोचने का अमल तो करें ना, जो जब सोचने का अमल करेंगे तो आपको चीजें आगे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे. जी हम देखें ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई है. लोगों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें. इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आगे लेके चलती है. उस इमोशंस सिर्फ इंटेलिजेंस अकेली बात नहीं बनेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस. और सर
ये मैं आपको बताना चाहिए, ये मेरे मोहतरम मेंटोर हैं जी, प्रोफेसर सत्तार भवानी साहब, और वो क्या लिख रहे हैं, लीडर शुड डेमोंस्ट्रेट इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड लीड विद लव विच रेफर्स टू ए स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन कोचिंग लीडरशिप स्टाइल विद केयर एंड ह्यूमिलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग फियर। डर और खौफ कुछ नहीं कर सकता, मोहब्बत सब कुछ कर देती है। आप नबियों को देख लें, औलिया को देख लें, तमाम कमाल उनका मोहब्बत में शामिल था, वो उनकी तरह के हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती आए, 90 लाख मुसलमान किया, उन्होंने मौसीकी मुखालफत नहीं की, वैसी मौसीकी बना दी, कवाली की तरह बना दिया। एडेप्टेबिलिटी जो मैंने पहले बात की है, बी लाइक ए वाटर माई फ्रेंड, अगर आप सख्त होकर खड़े होंगे तो आप उसके साथ नहीं कर सकेंगे। तो मोहब्बत का आंसर आपके अंदर जब आ जाएगा तो आपके अंदर कामयाबी आनी शुरू हो जाएगी, जब कामयाबी आनी शुरू होगी तो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। देखे जी जैक मा साहब क्या कह रहे हैं जी, इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड यू नीड लव क्वेश्चन। मोहब्बत का आंसर आपके अंदर आ जाएगा ना तो रिस्पेक्ट खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी, वो कोई लानी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं किसी को नहीं कहता जी लोगों मेरी इज्जत करो, मालिक के पास इज्जत है, सरकार के पास इज्जत है, वो देते हैं लोगों को दिलों में अंदर कि इसकी इज्जत बन गई है, आप खुद नहीं बनाते हैं। जब आपके अंदर लव का फैक्टर आना शुरू, मोहब्बत का फैक्टर आना शुरू होता है, लोगों के साथ अटैचमेंट का आना शुरू हो जाता है, तो वो चीजें खुद ब खुद रिस्पेक्ट बननी शुरू होती, ब्रांड बनना शुरू हो जाते, आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, और वो जो वो ब्रांड है वो मोहब्बत के साथ, लव के साथ, अफिलिएशन के साथ आता है, और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, आपके अंदर से स्पार्क निकलना शुरू होता है, कैच होना शुरू हो जाता है, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मकनाथीसी शुआएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, और वो आप लोगों के साथ मिलते जाते हैं। लव क्वेश्चन जो है वो आपको लोगों के साथ मिलाता है, लोगों के साथ, क्योंकि मालिक के पास है ये सारा, मालिक देने वाला इज्जत रिस्क जो जायदाद जिंदगी, ये तो मालिक के हाथ में, उसी के पास है ये सारा कुछ, और वही देने वाला है, और वही वही आपको आगे बढ़ाता है जी। मैं अपनी सारी बात को कंक्लूड करता हूं कि डिजिटल एरा में आपको आगे बढ़ने के लिए और आगे करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स में क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसमें कॉग्निटिव रेडीनेस होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, अडॉप्टिबिलिटी की मैंने बात की, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, एजिलिटी हो, रिजिलियंस हो, लचक हो आपके अंदर, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये तमाम वो तमाम कॉम्पिटेंसीज हैं ज़रात ग्रामी कदर जो आपको आगे लेके चलती हैं, आगे लेके जाएंगी, आप नेक्स्ट जनरेशन लीडर बन सकेंगे, और वो आपको सारी चीज़ें समझाती जाती हैं चीज़ें जितनी मैंने बात की। और मैं अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत जो इटालियन शायर के शेरों के साथ खत्म करना चाहूंगा, आप में से अब अगर कुछ बेहतर समझे मैं इंग्लिश में उसको पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर इसका मैं तर्जमा भी करूँगा। सफर क्या होता है और सफर के असरात और उसके फवायद क्या हैं, उसकी मोहब्बत क्या है, उसका असर क्या है? ये इटालियन पोएट है जी, गायो आयोन उसका नाम है। वो कहता है गो ऑन ए जर्नी अदरवाइज यू विल रिमेन ए रेसिस्ट, आप एक नस्ल पसंद बंदे बन जाएंगे, एंड यू विल बी बाउंड इन द सर्कल ऑफ दिस फेथ एंड थॉट, अपनी सर्कल में बंद रहेंगे, एंड इफ ओनली द कलर ऑफ योर स्किन इज राइट, तुम यही समझोगे कि मेरा जो कलर है ना ये सबसे आला है, एंड योर ओनली योर लैंग्वेज इज राइट, आपकी जबान ही सही है, एंड ओनली यू आर द फर्स्ट एंड यू विल बी द फर्स्ट गो ऑन ए जर्नी माई ब्रदर, बिकॉज इफ यू डू नॉट ट्रेवल सो योर थॉट्स विल नॉट बी ब्लेस्ड विद स्ट्रेंथ, एंड द क्रेडल ऑफ योर थॉट्स विल नॉट बी फिल्ड विद द ग्रेटेस्ट आइडियाज, द क्रेडल ऑफ योर thoughts will not be filled, your dreams are weak and you will be born with shaky legs, and then the center of your belief will remain the television shows, ab ghar mein jo baithe to tv dekhenge na, and those who invent and cultivate beastie anyways which will match your nightmares, so
that even if you live with a deep fear, go on a journey. Because the journey makes you, takes you without the distinction. What region do you live in will endow you with the power to say good morning to everyone. Go on a journey. Because travel, regardless of whatever, whether we, what kind of darkness do you carry in your mind, will make everyone happy with the melody of saying good night. Go on a journey. Otherwise, your faith and sight, instead of enjoying the entertainment of your inner scene, one will remain a prisoner of outside scene. Go on a journey, my brother. Thank you, ji. Bahut shukriya. Jin sahiban ke sawal ho, to main bahut si chat mein baatein aayi hui hain. Agar wo mic pe baat karna chahe. जी उमर साहब, ये जवाद शेख क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इनका माइक करेंगे ओपन. जवाद शेख जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं फेलो मेंबर हूं पिफा का और डिजिटल उसमें मैं नवाबशाह से आपके साथ ऑनलाइन हूं, ऐसे होता कराची में हूं. तो बहुत अच्छा वर्कशॉप था, सेमिनार था, रियली एंजॉयड. लेकिन कैन यू रिलेट इट टू पब्लिक फाइनेंस जो है ना. और दूसरा मेरा ये था कि ऐसे और भी जो है ना होने चाहिए इवेंट्स जो है, और पिफा की जॉब जो है उसके हवाले से मुझे बताइएगा. जी, गुजारिश ये है कि ये मल्टी डायमेंशनल हमारा जो पिफा है, आप खुद मेंबर हैं, आपको पता है कि ये डिजिटल ऑफ पाकिस्तान आई कैब आई सी एम ए के तावन से बना हुआ है और ये बड़ा वाइड फोरम है. वेबिनार लीडरशिप पे हम आपको लीडर बना रहे हैं और हमने इसीलिए ये बड़ी डाइवर्स किस्म के कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी होते हैं, सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी बात होती है, टैक्सेशन पे भी बात होती है. तो ये हमारी जो ब्रांच कमेटीज हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, उस हवाले से ये सेमिनार था. अगर आपको अच्छा महसूस हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको डाइवर्स करते रहते हैं. और दूसरी बात, आपने जो जॉब की बात की है तो मैं ये समझता हूँ, और मैंने ये दिन हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी हमारे फैसलाबाद से, 50 लोग ग्रेजुएट हुए तो हमने ये प्रोग्राम किया था. उसमें भी मैंने ये कहा था कि एमबीए और एमकॉम की गारंटी तो नहीं है, पिफा की गारंटी है कि वो 17 ग्रेड में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है और वो कंपनी सेक्रेटरी भी लग सकता है, टैक्सेशन का वो भी कर सकता है. मैं इमरान मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा कि सर इस पे जो भाई का ये सवाल है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें. जी जवाब साहब, जो आपने जॉब के हवाले से बात की है ना, अगर आप देख सकें तो हमारी रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें अवेलेबल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, टीवी चैनल्स हैं, उस पर हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी की पूरी डिटेल लाइव ब्रॉडकास्ट हुई हैं. उसमें ये क्वेश्चन जो आपका है ना जॉब के हवाले से, ये बड़ा वेल एड्रेस्ड हुआ है, बहुत अच्छी तरह से. हमारे प्रेजिडेंट साहब मौजूद थे यहाँ फैसलाबाद में, हमारे बीओजी मेंबर उस्मान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं बात को. जो गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ सर्टन स्पेसिफिक प्रमोशन हैं जो मिलती ही पिफा की उन कोर्सेज के बाद हैं. आप इनको करेंगे क्वालिफाई तो उसके बाद आपको वो प्रमोशन मिलेंगी. और 17 ग्रेड, जैसा कि उमर साहब ने अभी बयान किया, 17 ग्रेड तो डायरेक्टली अफिलिएटेड है. दूसरी चीज ये है कि अक्सर औकात इस डिग्री को ये समझा जाता है कि ये बेसिकली कोई फाइनलिटी अटेन कर रही है. बेसिकली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हैं ना, तो आप इसको एज अ गेटवे टू फर्दर स्टडीज ले सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. देखिए, एक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, वो और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का फर्क है. यहाँ पे जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कोर्स आउटलाइन दी जा रही है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है. ये एकेडमिक से आप हमेशा ही एक स्टेप ऊपर रहेंगे. आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी सेक्टर में जाएंगे, आप एक आम एकेडमिक क्वालिफाइड बंदे से बेहतर परफॉर्म करेंगे. तो पिफा को ये एडवांटेज हासिल है. और गवर्नमेंट सेक्टर का तो मैं आपको बड़ी डिटेल से बता देता हूँ. नेक्स्ट सदाम हुसैन साहब का करें जी माइक अनम्यूट. सदाम साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. थैंक यू सर, आपने अच्छा ब्रीफ किया है. और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने जैसे कहा कि जॉब्स के रिलेटेड, तो जॉब्स के रिलेटेड मैं अक्सर चेक करता हूँ कि जहाँ 17 स्केल की आती हैं जॉब्स, वहाँ पिफा नहीं लिखा होता, ठीक है? तो या एमए या 16 ईयर एजुकेशन लिखा होता है या अदर
इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखा होता है, ठीक है, तो पिफा कॉर्पोरेट या पिफा गवर्नमेंट ये दोनों ही एलिजिबल होते हैं या इनकी इक्विवेलेंसी होती है, इनका क्या कैसे अप्लाई बंदा कर सकता है? ये वो प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई बात होती है, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि ये इस पे जो हमारी मैनेजमेंट है बीओजी है वो रीजनल ऑफ पाकिस्तान से और एचजीसी के साथ रابطے में है, हमारी जो कॉरेस्पोंडेंस है उनके साथ भी चल रही है और हमने बहुत सी जगहों पे इसको इंक्लूड करवाया है। अभी मेरे पास एग्जांपल्स नहीं है, अगर आप हमें ईमेल भिजवा दें तो हम आपको वो तमाम जॉब्स या जो जो एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं जिनके अंदर पिफा शामिल है वो आपको कर सकते हैं। मेरा हमारे जो मेरा नंबर है, बाकी हमारी जो वेबसाइट है वहां से भी करें तो हम आपको पूरी क्लैरिटी से ये बता देंगे कि ये कौन कौन सी जगहों पे हमने इसको इंसर्ट करवाया है, वहाँ एड्स आती हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में आती हैं और जगहों पे आती हैं, तो वो हो सकता है आपकी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो पिफा के लेवल पे कि जो हम क्वालिफाइड लोग तैयार कर रहे हैं वो नो डाउट पब्लिक सेक्टर में इंडक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे फेडरल पावर सब्सक्रिप्शन में भी इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां से भी ये होता है, तो हम इसको एड्रेस कर लेंगे। ये आप हमारे ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करें, वी विल एड्रेस दैट इशू। और ये एक मोहम्मद काशिफ साहब ने चैट बॉक्स में लिखा है जी, अलाउ मी फॉर अ क्वेश्चन। काशिफ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप हैंड रेज कर दें तो आप सामने आ जाएंगे, तो आपको अलाउ कर देते हैं माइक पे। जवाब साहब आपका क्वेश्चन अभी दोबारा लेते हैं जी। काशिफ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक्स टू यू फॉर योर वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। दिस इज माय सेकंड सेशन ऑन वूका एंड आई हैव टेकन इट वेरी डिफरेंटली और आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम माय डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट्स। सेकंडली आई एम मोहम्मद काशिफ वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर फॉर अ वेटनरी डेजर्ट वेटनरी कंपनी। ओके, आई हैव रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू दिस पोजीशन। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वूका को या इंक्लूसिव लीडरशिप के कुछ कॉन्सेप्ट को, मगर ये सी लेवल से जब तक हमारी टॉप मैनेजमेंट इसको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगी तो हम इसको अपने डिपार्टमेंट लेवल पे और थोड़ा इसको पर्सनल लाइफ में, तो आपने थोड़ा टच दिया, हमें थोड़ा डिफरेंटली सोचना चाहिए, आई हैव गॉट दैट पॉइंट, मगर इसको इस लेवल से बताइएगा कि अगर ऐसा सिनेरियो हो कि हमारी टॉप मैनेजमेंट इसकी तरफ जा रही है और दे हैवंट थिंक अबाउट इट येट, और हम अपनी इसको अपने डिपार्टमेंट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं अपना आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर हम मैंने ये पहले भी अपनी प्रेजेंटेशन में बात की कि हर चीज ठीक होने का हम इंतजार नहीं कर सकते, मैंने एक इनिशिएटिव लिया और मैंने आपसे बात की, बहुत से अहबाब ने ये बात सुनी है। देखें, आप माशाल्लाह प्रमोट हुए हैं, अब आपके अंडर 2, 4, 10 या 20 जितने भी लोग होंगे वो उसको पूछने की किसी की जरूरत है कि मैं कैसे करूं? मैंने आपको डिजाइन थिंकिंग की बात की है, कभी आप इसको जाके देखें आपके दफ्तर में, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, आई डोंट नो कि जो भी आपका दफ्तरी मामलात हैं, कोई डाक के मामलात हैं, जो कोई जो कॉरेस्पोंडेंस के इश्यूज हैं या फील्ड के रिलेटेड इश्यूज हैं, हल नहीं हो रहा है, लोगों के प्रॉब्लम है, भाईजान कभी कभी अपने स्टाफ को साथ बुला के चाय का कप बुला के उसका कैथारसिस करते हैं और बात सुन लेना, तो आधी तो बात वहीं पे चेंज मैनेजमेंट की हल हो जाती है। मैंने जितनी आपको चीजें आपको बताई हैं ये आप अपनी चीजें पर्सनल लाइफ में, आप अपनी फैमिली में, आप अपने दफ्तर में वो तो करना शुरू करें ना। जब गवर्नमेंट करेगी हम ये कहेंगे कि जी अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है, आपको अल्लाह ताला ने एक ताकत दी है, आपको अल्लाह ताला ने कोदा दिया है, आपको एक 17, 18 ग्रेड के 19 ग्रेड के ऑफिसर बने हैं, तो नो डाउट आपके अंदर 10, 15, 20, 40 लोग काम कर रहे होंगे ना, आप उन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दें तो लोग याद रखेंगे कि भाईजान ये काशिफ साहब आए थे और इस दफ्तर को बेहतर करके चले गए, डॉक्यूमेंट कर दें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दें, तो यही आगाज है। पॉलिसी जगहों पे गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का फर्क क्यों है? कॉर्पोरेट सेक्टर एक से साल अगले साल 2 फैक्ट्रियां 10 फैक्ट्रियां 20 होती हैं, हमारी पीआईए भी बेड़ा गर्क है, हमारी स्टील मिल का भी बेड़ा गर्क है, पब्लिक सेक्टर का कोई हाल नहीं है, फंड कलेक्शन का इशू है, तो लाजमी बात है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी ना कहीं ना कहीं। सारी जगहों पे सिर्फ करप्शन ही तो इशू नहीं होता ना, कहीं प्रोसीजरल इशूज होते हैं, हमने कभी
अभी अभी देखिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, गवर्नमेंट एक सेकंड में आपको पकड़ दिया जनाब, आपने ट्रैक्टर ले जाता, आपको नोटिस आता है, आपने जनाब बताया ही नहीं, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, ओनली 1% लगा के वो आपको पकड़ लेते हैं कि भाई जान आपने ये प्रॉपर्टी इससे ली है और इसको दी है, तो आपके सोर्सेज कहाँ से आए हैं, इसका मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, यूनिवर्सिटीज में महकमो में ERP आ गई है, डैशबोर्ड आ गए, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती है। अगर हम उसकी तरफ होना ग्लास को सीधा करेंगे ना भाई जान, तो पानी भरना शुरू हो जाए, ग्लास उल्टा रखेंगे चाहे ट्यूबवेल चला लें, ग्लास में कुछ नहीं आ सकता। तो इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसमें कुछ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बता दूं, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि CPD आवर्स के हवाले से पूछ रहे हैं और ई सर्टिफिकेट्स पूछ रहे हैं, तो वो आप काइंडली ब्रांच से रابطہ कर लें, नईम साहब मौजूद हैं, वो आपको इस पर गाइड कर देंगे। अब तैयब वासिफ साहब को दीजिए जी माइक। जी तैयब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तैयब साहब, क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, यू हैव बीन एंड यू आर माई मेंटोर सर, एंड यू विल बी इंशाल्लाह। आपकी बहुत सारी हमारे प्रोसीजरल मैटर्स हैं जो हम बाउंड होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमारी लिमिटेशंस लगाई हैं, कुछ हमारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जो अभी तक ऐसे कंबरसम हैं जिन्हें बहुत जरूरत है इन चीजों की। तो मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि बेसिकली ये ट्रेनिंग ऐसी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आपने भी की उससे पहले भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग चल रही होती, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इनको जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उन तक भी बात पहुंचे, इन ट्रेनिंग्स को थोड़े से अपर लेवल तक भी हम जरूर इनिशिएटिव लें, इनको वहां तक पहुंचाएं ताकि जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, जो रूल्स बनाते हैं, इनफैक्ट वो ऐसे फ्लेक्सिबल हों कि हम तमाम लोग आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकें। जी बिल्कुल तैयब साहब, बिल्कुल आपने, मकसद ये होता है कि देखिए पब्लिक अवेयरनेस होती है ना कुछ चीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, आप लोग हैं, फोरम्स हैं, बात होती है, चेंज आते 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 टाइम लगता है, रूल्स बनते बनते अमेरिका में इस पिछली सदी से पहले खवातीन को वोट का हक ही नहीं था, बात हुई, सुना गया, आहिस्ता आहिस्ता वो वोट मिल गया, चीजें मिल गई। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में खवातीन को आधी डेली दी जाती थी, मर्दों को पूरी दी जाती थी, काम दोनों से एक जैसा लेते थे, वक्त ने साबित किया और वो अब हो गया। तो ये एक ग्रेजुअल सोसाइटी का प्रोसेस होता है, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और वो उसके साथ साथ वो आगे चलते हैं। ये मैं आपकी बात को अनुरोध करता हूँ, दैट शुड बी सेंड टू द पॉलिसी मेकर्स। और इसमें सर एक चीज सबसे बड़ी जो चीज है ना, बेसिकली हम जितने भी लोग हैं यहाँ 22 करोड़ के जो दो लोग हैं ना, ये हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। हम जिस सीट पर, जिस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं ना, हम हमेशा ये समझते हैं कि मैं नीचे वाले को नहीं आगे आने देना, हम नीचे वालों की पॉलिसी आगे बढ़ाते नहीं, उनको यानी कि उनकी ट्रेनिंग नहीं करने देते। ये हमारी पूरी कौम में मसला है, और ये जो जितनी सारा आप ट्रेनिंग कह रहे हैं अल्टीमेटली उस फोकस पॉइंट पे आके ना खत्म हो जाती है। हमें पहले अपने आप को जरा बड़ा करना पड़ेगा। अली जी आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अली जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम सर, बहुत मेहरबानी, आपका दर्जा हमारे लिए एक टीचर की हैसियत से है सर, इंशाल्लाह आप हमारे दिल में सर। छोटे भाई हैं जी, खुश रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियां दे। वो मुल्तान तो तुमने बुलाया नहीं है, मैंने कहा चलो इस तरह ही रابطہ कर लेते हैं सर। इंशाल्लाह सर, जरूर सर, जरूर मैं इंशाल्लाह आपको डॉक्टर साहब को प्रेजेंटेशन का आसिफ साहब को बताइएगा, फिर इंशाल्लाह वहां आके करेंगे इंशाल्लाह एक सेशन। जी जी जी, जरूर जरूर सर। सर एक क्वेश्चन था, अभी हमने डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात की, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिजिटल होने जा रही हैं, हम लोग ERP सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर है वो सर एक्सेप्टेबिलिटी का आ रहा है। हमने जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है ना इस बैरियर को फेस किया है कि जो इम्प्लॉई है वो उसको एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है सबसे ज्यादा, वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन या ERP सॉल्यूशन को वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, लोग कहते हैं जी 20 साल से तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम क्यों करें ऐसे। जी सर, जी सर। और सर सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी का इशू है कि लोग कहते हैं कि ERP सॉल्यूशन जो है वो उनसे उनकी जॉब्स ले लेगा या
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो डाउन साइजिंग की तरफ जाएंगी, या वो ये कहते हैं कि जी अगर ये आ जाएगा तो हमारे बच्चों को नौकरियां कौन देगा। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज में। अली साहब ये बात ना, मैं अभी था सिंगापुर में, वहां पे भी बात हुई। हम यहाँ समझते हैं ना फूड पांडा पाकिस्तान का, फूड पांडा एक्चुअली सिंगापुर का ब्रांड है, उसकी सीएफओ आई हुई थी। तो वो कह रही थी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आई तो हमने उसकी चेंजेस की ईआरपी की और बाकी चीजों की। मैं ईआरपी पे भी बात आपको करता हूँ कि दुनिया में अब ईआरपी से आगे एनालिटिक्स और डैशबोर्ड पे बात आ गया है, ईआरपी तो बहुत पीछे रह गया है, अभी हम उसमें बहुत पीछे हैं। वो कह उन्होंने यही आप वाली बात की कि जी लोग कहते हैं नहीं जी ये कौन सा सिस्टम लिया है हमारे, तो बड़े से 20 साल से 40 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम लिया है, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारा इख्तियार खत्म हो जाए। भाई जान कोविड आया, होटल बंद हुए, रब ने रोटी खोली कि नहीं अपना फूड पांडा के जरिए से, आपके दफ्तरों के जो दोस्त अहबाब शाम को 4 घंटे लगाते हैं वो उतना उन्होंने महीने में नहीं पाना जो उतने 4 घंटों में बना लेते हैं। हमारे अंदर खौफ है कि शायद टेक्नोलॉजी आएगी तो हम रिडंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक ने उसके लिए और बहुत से रस्ते खोले होते हैं। कोविड के बाद आप देखें कि कितनी नई इनोवेशन, जूम जो बिकता ही नहीं था अब सबसे टॉप पे जूम बिकता है, हर बंदा जो बैठा हुआ मैं और आप सारे जूम इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था जूम का। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल वो कह रहे थे, उसने ये आपका आपका मतलब सवाल ना, वो एक सीएफओ को किसी ने कर दिया यही बात चेंज मैनेजमेंट का, कहते उसने कहा जी मैं तो नहीं मानता जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपने नया सिस्टम शुरू कर दिया है। अब उनको वो बड़े पोलाइटली कह रहे हैं यार, वो कहते जी ये सर ये तो बंदे जो है ना 3-4 जो हमारे मैनेजरियल लेवल के ये अट गए हैं, ये नहीं उनको ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे। कहते एज ए सीएफओ मैंने उनको बुलाया, चाय पे बुलाया, उनसे बात सुनी, उनसे कहा भी आपका इस पे क्या चार्जेस है, क्या आपका जी सर ऐसे था ये ऐसे होना चाहिए था, ये हमें ये नहीं किया वो नहीं किया। कहते आधा घंटे सेशन के बाद मैंने उन्हें कहा जी मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं इसको इंशाल्लाह टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाऊंगा, वी विल रिजॉल्व द इशू। कहते अगले दिन उन्होंने, पता नहीं वो केरी मेरी मोहब्बत थी या मेरी चाय में कोई दम था, तो अगले दिन उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम सीख लेते हैं, और उन्होंने जाके सबको कहा जी टॉप मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुंच गई है, इसका मतलब आप हमारी बात का ना हल निकल आएगा। तो मैनेजमेंट को कभी कभी उनके साथ सिट करना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है। मैंने जो लव क्वेश्चन की बात की, मैंने खुद आज से 20 साल पहले यहाँ पे पेरोल इंप्लीमेंट किया था, तो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान मैं हमने भी साहब को हमारे मोहतरम रियाज कुरैशी साहब वीसी होते थे, उनको पे स्लिप पेश की तो उन्होंने कहा जी यार मैं अंगूठा तो लाया ही नहीं है, तो उन्होंने पता नहीं कितना पहली तरीक नुआ ट्रेड साहब कहेंगे मैं नहीं लगता। तो चेयरमैन ने कहा जी कि हम किस बात के चेयरमैन है अगर हमने चेंज ही नहीं भेजनी, अगर कादरी साहब ने खुद ही तनख्वाह ईआरपी पेरोल से भेज देनी है तो फिर साड़ी टॉर पेलदार के उत्ते कादरी रही उन्हें तो खुद ही तनख्वाह थी साढ़े हथों निकल गई। बिल्कुल ईआरपी और चीजें जो है ना वो वक्त के साथ चलती हैं, और आप देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट जब मैंने कहा टैक्सेशन और बाकी चीजों में आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पकड़ रही है ना, अकाउंट आपके में पैसे कितने हैं, आपने गाड़ी कौन सी ली, ट्रैक्टर कौन सा लिया था, ट्रांसपोर्ट, तो आपकी सारी चीजें उनके पास वाजे होती नहीं जा रही है आपको, तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस लगता है। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उमर साहब, जवाद शेख साहब ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है कि जी हाउ कैन दिस मॉडल बी इंप्लीमेंटेड इन पब्लिक फाइनेंस फॉर इंप्रूवमेंट। कुछ आंसर तो आपने कर दिया थोड़ा सा, अगर मदीर इस पे कोई एक दो लाइनें और कहना चाहे। जी इसमें मैं गुजारिश ये करता हूँ कि दुनिया में अभी जो मैंने बात की है पब्लिक फाइनेंस में, पर्टिकुलरली जब ईआरपी आया और ईआरपी के साथ साथ आपको जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो डिजाइन थिंकिंग की है। दुनिया ने इसको मॉडल के तौर पे लिया है। ये मैंने जितनी आपको मिसालें दी है ना एयरबीएनबी की, बाकी चीजों की, आप कभी जाके देखें तो सही ना कि लोग, मैं अपनी मिसाल देता हूँ पब्लिक फाइनेंस में, मैं ट्रेडर हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मैं ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और ईआरपी इंप्लीमेंट करते हुए ये चीजें मैं उसके साथ जब मैं डैशबोर्ड दे दूंगा अपने चेयरमैन को, अपने वाइस चांसलर को, चीफ हॉल वार्डन को, उसको क्लर्क से नहीं पूछना पड़ेगा कि जनाब मेरे हॉस्टल में कितने कमरे खाली हैं, वो क्लिक करेगा उसको पता होगा कि मेरी ऑक्युपेंसी कितनी है। वीसी साहब पूछेंगे भाई ऑक्युपेंसी, जैसे होटल वाले को ऑक्युपेंसी का पता है ऐसे ही टीचर के पास होगा कि मेरी क्लास में बच्चे कितने हैं, कितने ऑनलाइन हैं, कितने दूसरे हैं। ईआरपी जब आएगा, और अभी दुनिया में मैं जो जितना देखे हैं वो तो एनालिटिक्स पे आ गए हैं, डेटा की बेस पे एनालाइज करते हैं कि कौन सी डिग्री में ट्रेंड बच चुका। अभी मैं अभी वाइस चांसलर साहब का सालाना फंक्शन था
तो वहां पे बात हो रही थी भी कौन सी डिग्रीज में ट्रेंड है और कौन सी डाइंग है, जो डाइंग है उनका क्या हल होना चाहिए, और जो एचएनडी है, फार्मेसी है, जो कंप्यूटर की डिग्रीज हैं, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ रहा है और बाकी डिग्रियों को लोगों को भी तो पता है ना कि आगे नौकरियां किस जगह पे मिलनी है। तो अगर आप कॉग्निटिव तौर पे ये जो मैंने मॉडल बताया आप अपने एनालिसिस करें ना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करता हूं, मैंने करके दिया है विश्वास को कि सर ये डिग्रियां हैं कि अगर आप 1 लाख भी फीस कर देना तो लोग देंगे, क्योंकि बाहर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 लाख दे रहे हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये डिग्री है बीएससी की, ये 16,000 में कॉलेज में हो रही है, आपको 50,000 कौन देगा। तो ये यही मॉडल है ना कि आप उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी बेस पे आप अपनी फी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद लोग आना शुरू कर देंगे। मैंने 35,000-40,000 बीएससी का रखा हुआ है, कॉलेज वाला 16,000 में उसको पढ़ा देता है, तो वो लाजमी कॉलेज में जाएगा, मेरे पास तो नहीं आएगा। तो इसको डिजाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू। बिल्कुल सही। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान एहसन साहब का और अहमद सुलेमान साहब का, वो चैट बॉक्स में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। तो तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि आज के टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है वो इतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन कुछ हद तक इससे इंगेज होता है हमारे आज के टॉपिक से। ये सनिया सईद ने क्वेश्चन पूछा है कि जो यंग जनरेशन ह्यूज नंबर में बाहर जा रही है, बेसिकली इनका क्वेश्चन हाफ है, वो इनको पूछना चाहिए था कि इस सब सिस्टम को बनाने की बजाय वो बाहर क्यों जा रहे हैं। असल में सवाल इस तरह पूछना चाहिए था, तो मैं उनको सही करके आपसे सवाल पूछ। पहले ही तो बात यह है कि मेरी बेटी है ये, और दूसरा सवाल है इसका सवाल का जवाब मुझे जितने मैंने इस मौजू पे प्रेजेंटेशन दी ना हर जगह पे ये सवाल हुआ है। मैं इस सवाल का जवाब आपको बड़ा रेलिवेंट देना चाहता हूँ और ये जितने पार्टिसिपेंट है सबको देना चाहता हूँ। ये वही सवाल है जो आज से 1,000 साल पहले पादरी अपने नौजवानों से पूछते थे कि इनको क्या तकलीफ हो गई है, इनको क्या मसला है कि सारे के सारे अरबियों जैसे लिबास पहनते हैं और करतबा और स्पीन में जाके पढ़ना चाहते हैं। जो तहजीब रूल करती है, जहां पे नॉलेज होता है, जहां पे पैसा होता है, उस तरफ फ्लो होता है। आज से सिर्फ 200 साल पहले यूरोप का नौजवान कहता था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना चाहता हूं, वहां पे इंग्लैंड में जितने लॉर्ड हैं वो सारे हमारे पैसों से बने हैं। आज क्योंकि वो अरूज पे हैं, उनकी इंडस्ट्री एजुकेशन आगे है, उनका बादशाह की बीवी जटकी से मरी तो उसने नाइटिंगेल सर्विस बनाई कि माएं जो हैं वो जटकी से ना मरें, इसलिए नर्सिंग की एक, हमारे बादशाह की बीवी मरी उसने ताजमहल बना दिया, ठीक है ना। उन्होंने बनाइया यूनिवर्सिटियां। मैं आपको इस सवाल का जवाब इसलिए देता हूं कि देखें, मैं उसका अक्सर मेरे दोस्तों ने ये सवाल जवाब सुना हुआ है, मैं आपको आपको भी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। थॉमस जेफरसन जो था ना, वो जन मैंने उस दिन ग्रेजुएट सेरेमनी में ही बताया था, थॉमस जेफरसन सेकंड प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो कहता था कि तालीम होनी चाहिए लोगों के लिए सरकारी पैसों पे, और कांग्रेस कहती थी नहीं जी, लोगों ने बच्चे पढ़ाने हैं तो अपने पैसों से पढ़ाएं। लेकिन उसको उसका बिल पास नहीं हुआ। 1860 में पहली बार अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बड़ा अमरीका का, उसने 1862 में 3 इनकलाबी इकदाम किए। सबसे पहले उसने 1862 में जो सरकारी शासन के बाद पहली बार गुलामी खत्म की, कांग्रेस ने बिल पास किया कि आज के बाद कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। दूसरा उसने बिल पास किया, अगर उसने अमरीका ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर को फरोग देना होगा। 1862 में उसने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जिसकी बेस पे आज वो तरक्की कर रहा है। और तीसरा काम जो तारीखी काम किया उसने, उसने मॉरल एक्ट पास किया, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, और उसके बेस पे क्या हुआ कि हर स्टेट को उसकी आबादी के मुताबिक यूनिवर्सिटी दी गई, 30,000 एकड़ जमीन साथ दी गई, कि यूनिवर्सिटियां मांगत नहीं होंगी, यूनिवर्सिटियों का अपना एंडोमेंट फंड होगा, और उसकी बेस पे वो अपने जो वाइस चांसलर या रेक्टर या जो भी सिलेक्ट करेंगी वो मांगने वाली नहीं होंगी, उनको एम्पावरमेंट की। और सबसे बड़ी बात ये की उसने कहा कि द यूनिवर्सिटीज आर नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज आर सपोज टू लीड द सोसाइटी, टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। वो एमफिल हैं, वो पीएचडी हैं, दे लीडर्स। अब भी दुनिया में जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे प्रोफेसर नॉमिनल तनख्वाह यूनिवर्सिटी से लेते हैं, लोगों के प्रॉब्लम हल करते हैं, वहां से वो अपना काम चलाते हैं।
हमने वो तालीम और वो देखे ना, वो 150 साल में हमारा नौजवान पढ़ के कहता है नौकरी ढूंढनी है, उनका नौकरी देने वाला बनता है, फेसबुक का मालिक बनता है, स्टीव जॉब बनता है, वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और उस ट्रांसफॉर्म के नीचे में आज दुनिया में वो हुकूमत कर रहे हैं अपने दिमाग के सर पे, दिमाग की वजह से उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, यूनिवर्सिटीज को बेस मुकम्मल किया। हमारा नौजवान अभी आपको इस बात में आई डोंट नो कि क्यों परेशानी हो जाती है कि 23 करोड़ का मुल्क है, 7,65,000 लोग गए हैं ना, तो ये चले जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है, नथिंग। हम आप मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर को लहदा कर दिया, रोते थे कि हमें क्यों आजादी दे दिया, ली क्वान यू ने कहा कि वी कैन डू इट टू इट, उसने पूरी दुनिया से दिमाग खरीदे, उनको रेजिडेंस दी। आज 50 साल के बाद 50/30 का वो मुल्क है, 50 किलोमीटर/30 किलोमीटर, 55 लाख उसकी आबादी है, 4 करोड़ बंदा सिर्फ उसको देखने आता है, क्या वंडरफुल चीज बना दिया उन्होंने, रूल ऑफ लॉ है, करप्शन नहीं है, और जो करता था उसके आगे वो पिस्टल रख देता कि यार ये आपका जुर्म है, वो 2-4 मारे हैं तो सुकून हो गया। बॉस कहता है आई, लीडर कहता है वी, उन्होंने कहा जी के ली क्वान यू साहब आपका हमने मॉन्यूमेंट बनाना है, उसने कहा मेरा नहीं बनाना है, फाउंडर्स मॉन्यूमेंट बनेगा, मेरी टीम का मॉन्यूमेंट बनेगा जिन्होंने इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म किया है। जब आपके अंदर टीम का काम आ जाता है, बॉस की बजाय आप लीडर बन जाते हैं, तो लीडर जो होता है वो मुल्कों को आगे लेके चला जाता है। आपके पास डिंग ज़ियाओपिंग की मिसाल है, आपके पास उर्दगान की मिसाल है, आपके पास महातीर की मिसाल है, ली क्वान यू की मिसाल है, और अमरीका की मिसाल है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वी कैन डू इट, और इसी मुल्क में कर सकते हैं कोई, या आप कितने लोग जो पढ़े लिखे मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई भी अपने अपने लेवल पे अगर इनिशिएटिव ले तो इंशाल्लाह कामयाबी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस एचआर मैनेजमेंट के हवाले से और जॉब के हवाले से हैं, तो हम लोग इसको अगली अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे, हो सकता है इससे भी कोई वेबिनार करें। ये अपना उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे थे शायद। उस्मान साहब आपको एप्रिसिएशन क्लैप दे रहे थे सर। हाँ जी, थैंक यू जी। ये काशिफ जमाल साहब हैं कोई? जी, काशिफ जमाल साहब का माइक ओपन करें, फिर मैं ये मोहसिन साहब का क्वेश्चन है वो उसके बाद देता हूँ। काशिफ साहब का माइक ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और मैं आई रियली एंजॉयड, आई एम बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, बट मैंने पहली दफा आपका सेमिनार अटेंड किया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं आपसे सिर्फ जो क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था कि ये जो लीडरशिप स्किल्स की आप बहुत यूजफुल है, ये कोई इसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन या कोई सर्टिफिकेशन के बारे में आप गाइड कर सकते हैं? Which we can extend to actually. जी जी, ये मैंने जिनका आपको बात की ना, Disruptive Leadership Institute है सिंगापुर में, मोहतरम प्रोफेसर सत्तार भवानी साहब हैं, ये ऑनलाइन भी कराते हैं, वहां जाके भी कर सकते हैं, ये बहुत आला इंस्टीट्यूट है आपको लीडरशिप के हवाले से, कॉम्पिटेंसीज के हवाले से। तो अगर आप मेरा नंबर नोट कर लें तो मैं आपको उनको रेफरेंस दे दूंगा, अगर आप गूगल पे जाके उनका नाम लिखें, प्रोफेसर सितार भवानी, डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप इंस्टीट्यूट या सेंटर फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। जी सर, ये मोहसिन उस्मान साहब का एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि जी इन ईच सेक्शन ऑफ लाइफ लाइक स्किल थॉट डिजिटल रेवोल्यूशन एटसेट्रा, बट इनोवेशन कम्स फ्रॉम हु टेक जॉय फ्रॉम देयर वर्क, but if the governance system is not in countries like Pakistan, how we can innovate oneself or go for skill enrichment? ji is pe jo bhi mere bhai ne sawal kiya hai, pakistan mein meri university mein aur pakistan mein aapne kabhi gaur kiya hai ki online transaction pe hamare kitna bacha paisa kama raha hai? aap LinkedIn में के मैंने आपको बात की, मैं आपको उस बंदे का नंबर दूंगा और आप देखें कि कितनी की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं LinkedIn, सिर्फ एक LinkedIn जो है हमारे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स इतनी ज्यादा पॉसिबल हैं। अभी मैं एक सेशन से उठ के आया हूँ, हमारे वाइस चांसलर साहब उसको लीड कर रहे थे, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने डेट्स की अपग्रेडेशन और उसकी वैल्यूडेशन पे कंपटीशन करवाया डेट्स पे, क्योंकि हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं खजूरें पैदा करने और सऊदी अरब 2nd नंबर पे है। उस हमारे बच्चे ने, वो हमारा बच्चा एम फिल फूड टेक्नोलॉजी कर रहा है,
उसने जो प्रपोजल भेजी है भाईजान, उसको 50,000 सऊदी दिरहम का इनाम मिला है। अभी मैं क्लैप करके आया हूँ, वो पाकिस्तान में बैठा, सऊदी अरब में उसने लिंक बना लिए हैं, सऊदी अरब में कम से कम 250-300 फैक्ट्री लगी हुई है जो वैल्यू एडिशन करती है खजूरों की प्रोडक्ट बनाने में। उस बच्चे को 30,00,000 का इनाम मिला है, उन्होंने उसको इन्वाइट किया है, तो क्यों नहीं पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास। अभी मैं पिछले वीक मेरी यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश हुई गुले दाऊदी की, हमारी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे कसूर में उसने 60 एकड़ लिए हैं, लोगों को दे रहा है, अपना जॉब्स दे रहा है और फूल बेचता है बागबान के नाम से। तो क्यों नहीं, ये मैंने आपको ये रियल टाइम एग्जांपल्स दिए हैं, आप कुछ करें ना, आप सोचे, सिर्फ आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, पहला स्टेप आपको उठाना होगा, फिर कामयाबी आपके साथ होगी। बहुत शुक्रिया। ये मियां अब्दुल रशीद साहब हैंड रेज कर रहे हैं चैट बॉक्स में, देखिए उनका माइक। मियां अब्दुल रशीद साहब, इनका माइक ओपन करिएगा। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह जनाब, से ठीक है जनाब जी? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आपने ना जी अल्लामा इकबाल साहब का ये एक शेर अच्छे तरीके से समझा दिया प्रैक्टिकली, कि अच्छा है तेरे पास रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जी जी, ये जो साइंटिस्ट के लिए आपका लेक्चर जो है ना सर, इट इज रियली रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू लिसन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ये विजन ब्रॉडनिंग भी है और माशाल्लाह 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 ये एक एक रोड मैप भी है फॉर द पीपल who are sauntering aimlessly in the pitch darkness of pessimism in particular, particularly जो degree holders हैं आपके, कोई वो जवाब शेख साहब भी बार बार पूछ रहे हैं, बल्कि मैं आपकी तरफ से जवाब देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप सबके लिए उमर सईद साहब एक मैटर ऑफ प्राइड इसलिए हैं, इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दी हैं ये तो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर भी हैं माशाल्लाह, मैं तो खुद मोर देन 1000 लेक्चर दिए हैं, लेकिन आज मैं इनको दुनिया सब के सामने ना बहुत ही बड़े लेवल का कमेंट यही देना चाहूंगा कि ही इज जीनियस ऑफ पाकिस्तान। देखो ना आपने कुछ कसर छोड़ी नहीं, इतना ना चुको तुसी, पहले लेक्चर जी मेरा टोला बुआ देना तुसी। नहीं नहीं सर, पता क्या वजह, बात ये है कि आपने जो है ना देखो विजन ब्रॉड किया है, मलेशिया की मिसाल दी, सिंगापुर की दी, और ये जो सबसे बड़ी चीज है ना जो हमारे लिए आज, वो है सर डिजाइन थिंकिंग। जी जी, और इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिसाल दी आपने, ये जो आपके हैं ना, ये जो आपके साथ भी सीखने वाले जो लोग हैं वो हैं, इनको ये फरमाइए कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स की तरफ चले जाएं, ये एंटरप्रेन्योर्स बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, इनके लिए तो बड़ा, ये बहुत बड़ा वाइड ओपन एरिया है, बहुत ओपन एरिया है, वाइड ओपन एरिया है। और ये देखो जो आपने मिसाल दी अभी कैम्फिल का, वो मैंने भी देखा है आजकल, वो बड़ा धूम मची हुई इस बच्चे की ना, जो सऊदी अरेबिया में खजूरों वाली जगह पे, और ये बागबान वाला, और भी बहुत से लोग हैं ना, और रियल टाइम एग्जांपल, सॉरी, गुले दाऊदी पे हमारे पास दुनिया का बेहतरीन एग्जांपल्स मौजूद है और लोग लेके जा रहे हैं, और हमने इसको मार्केट करना शुरू कर दिया है। मैंने मलेशिया में देखा है मियां साहब, 500-1000 रिंगट का एक बुके मिलता है, आप उसको प्रॉपरली खूबसूरती से मार्केट करें तो आप पैसे ही पैसे हैं, ये मसला ही कोई नहीं है। अभी अभी मैं, अच्छा। मैंने एक बंदे से सुना, उसने कहा जी कि पाकिस्तान का जो ऑलिव है, बलूचिस्तान का जो ऑलिव है, वो स्पेन से और इटली से ज्यादा बेहतर है, अगर हम पानी दे दें बलूचिस्तान को, सिर्फ ऑलिव लगा दें तो मसला ही कोई नहीं है। इतना पोटेंशियल मुल्क के पाकिस्तान के, बाहर जाके क्या करना, पाकिस्तान के पास क्या चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया, अच्छा, सर मेरी मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया मियां साहब, और किसी साहब का दोस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें मैं अपनी मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि ये प्रेम कुमार साहब ने इसका वेब लिंक मांगा है, तो प्रेम कुमार साहब फेसबुक पे, वैसे पिफा फैसलाबाद के नाम से पेज है, वहां पे ये लाइव होगा, और मैं कहता हूँ मैनेजमेंट को अगर पॉसिबल हो सके तो, अगर पॉसिबल हो तो ये उसका लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर हो जाएगा, और फेसबुक के ऊपर भी इंशाल्लाह पिफा की वेबसाइट में सर इसमें अनाउंस कर दूं मैं। इसमें ये है कि आपको जिस ईमेल आया हुआ है, जिस ईमेल से, उस पे रिप्लाई कर दें, आपको लिंक्स वगैरह सारे में उस पे आपको रिप्लाई में आ जाए। जी प्रेम कुमार, आप इस पे ईमेल अभी शेयर किया हुआ है अली ने ऊपर, आप उस पे ईमेल कर दें तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आई थिंक सर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ओवर हो गए, फिनिश हो गए, इसको क्लोज आउट करें सर। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों का, अटेंड करने वालों का, बहुत पिफा का, सब अहबाब का बहुत शुक्रिया जी। जी ओवर टू इमरान साहब। बहुत शुक्रिया साहब।
वंडरफुल डे जी, आज तो उन लोगों ने सीखा है जो कहते थे कि हम तो शायद सीख चुके हैं, तो आज तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त ये वेबिनार हुआ है और दुनिया जहान से लोग मौजूद थे हमारे पास। अभी एक दोस्त जिनीवा से गालवन मौजूद थे, एक सिंध से मौजूद थे। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। एज पर द इंट्रोडक्शन, आपका प्रोफाइल बताते हुए मैं कह रहा था कि ये प्रोफाइल बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह से आपने जो काम किया वो उससे भी बड़ा है सर। एंड यू आर रियली प्राउड फॉर अस के हम आपके साथ ये सेशन शेयर कर रहे हैं। और अभी एक दोस्त बता रहे हैं वो इराक से शामिल हैं जी, इब्रार साहब, थैंक यू जी। और बाकी सब दोस्तों का भी, मैं जो भी लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़बरदस्त इसको तरीके से सुना। और अप्रिसिएशन ज़्यादा आई हैं, क्वेश्चंस कम आए हैं, ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, दैट मीन्स कि पीपल वर टोटली इन्वॉल्व इन टू इट। एंड दिस वॉज समथिंग जो मॉडर्न इरा मैनेजमेंट के हवाले से टॉपिक चूँकि बहुत अच्छा था, और पार्टिसिपेंट्स भी जाहिर है इनका मेयार भी उसी लेवल का था। एंड पिफा इज ऑलवेज स्ट्राइविंग हार्ड कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे आपको ऐसे वेबिनार, जैसे कि यूमर साहब ने भी बताया, इससे पहले हम टैक्सेशन पे कर चुके हैं और आगे भी प्लान है इंशाल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे, लाइव पेज पे और इन लिंक्स में और ग्रुप्स में शेयर होती रहेंगी चीज़ें, हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। और ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स हैं ही डेवलपमेंट के लिए। आज का वेबिनार तो खैर बहुत एक्सक्लूसिव था जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने यकीनन एंजॉय किया होगा। मैं एक बार फिर आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, उमर साहब, इट वाज सच अ वंडरफुल डे एंड बहुत शुक्रिया सर, यू मेड द इवनिंग वंडरफुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।